बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हजरात, आप देख रहे हैं छठी के बच्चे आपसे अच्छे, ओनली ऑन बोल एंटरटेनमेंट। अब आप पूछेंगे ये क्या है छठी के बच्चे आपसे अच्छे। वैसे तो इतने प्रोग्राम हो चुके हैं अब तक, आपको मालूम होना चाहिए कि छठी के बच्चे आपसे अच्छे का मतलब क्या है। इसमें छठी के बच्चे आते हैं जो कि छठी ग्रेड के होते हैं और वो ये दावा करते हैं कि वो आपसे अच्छे हैं, और वो हम भी उनको बैक करते हैं क्योंकि वाकई अभी यहाँ जितने भी लोग आए हैं इनको हरा नहीं सके। पैसे जीत के जरूर जाते हैं, कितने पैसे वो भी जरूर बताते हैं, लेकिन गेम शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस हफ्ते 50,000 रुपया जीतने वाले का नाम क्या है। पिछले हफ्ते अगर आपने गेम नहीं देखी तो हमारा सवाल ऑडियंस के लिए ये था, हाउ मेनी डेलीगेट्स कैन ईच कंट्री सेंड टू द यूएन जनरल असेंबली। हाउ मेनी डेलीगेट्स कैन ईच कंट्री सेंड टू द यूएन जनरल असेंबली। ये पिछले हफ्ते हमने आपसे सवाल पूछा था और आपने इसका जवाब देना था #छठी के बच्चे आपसे अच्छे। आपने हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे टैग करना था, बहुत से लोगों ने जवाब दिए, लेकिन 50,000 जीतने वाले का नाम अब मैं आपको बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। 5 डेलीगेट्स, द आंसर इज 5। बहुत से लोगों ने 5 कहा, कई लोगों ने 10 भी कहा, शेम ऑन यू। आइए देखते हैं कि विनर का नाम क्या है, एंड द विनर इज अहमर खान फ्रॉम मुल्तान। अरे वाह 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 अहमर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, घर बैठे बैठे ऐसे 50,000 रुपया आप जीत गए हैं। 50,000 रुपया आप भी जीत सकते हैं। इस प्रोग्राम के एंड के अंदर हमारा अगला सवाल आएगा, तो स्टे ट्यून। अब मैं आपको चल के बताता हूँ कि छठी के बच्चे आपसे अच्छे क्या है। हमारे 6th ग्रेड के बच्चे आते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, हमारी बड़ी तगड़ी टीम है, सबके पास लैपटॉप्स भी होते हैं, वैसे भी वो बड़े पढ़े लिखे हैं, और हमारे 2 कंटेस्टेंट्स आते हैं जो इनको चैलेंज करते हैं। हम क्या करते हैं कि इन्हीं के ग्रेड के अंदर से, इन्हीं के सिलेबस से इनसे सवाल पूछते हैं। अब ये बहुत ज्यादा पैसे जीत सकते हैं, पूरे 50,000,000 रुपए तक। जी हां, आपने सही सुना, मैंने कहा 50,000,000 रुपए तक आप जीत सकते हैं, लेकिन जीते कितने हैं, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, और कुछ लोग तो 10,00,000 भी जीते हैं। कुछ लोग अक्सर जीतने के बाद ये कहते हैं कि हम बस आगे नहीं खेलेंगे, हम घर जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा माई का लाल नहीं आया जो 50,000,000 रुपया यहां से लेके जाए हमारे छठी के बच्चों से। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू उनको मिलते हैं जिनकी वजह से ये प्रोग्राम बना है। आइए चल के मिलते हैं हमारे छठी के बच्चों से। खवातीन हज़रात, सबसे पहले हम मिलते हैं हमारे बच्चों के साथ। सबसे पहले आते हैं, देखने में बड़े प्यारे लगते हैं लेकिन हैं बड़े शैतान, अयान। दूसरे बिन बुलाए मेहमान, ज़यान। फिर आप कहेंगे कि इनका है बहुत सख्त कानून, प्लीज वेलकम ज़रहून। खाती हैं ये मीठा पान, नाम है इनका ईमान। और इनको देख के एक ही गाना याद आता है, हम ना होंगे जुदा। हम ना, कैसी हैं आप? हमारे बच्चे आ चुके हैं, सबसे पहले इन बच्चों से मिलते हैं और देखते हैं कि इनके अभी तक क्या ख्यालात है। जी अयान, कैसे हैं आप? सर आप बताएं। मैं तो बड़ा फिट हूँ, आज आप बड़े प्यारे लग रहे हैं, बाल शर्ट कटवा के आए हैं जी, यही तो काम है, यही काम है, सारे दिन पैसे हैं, सारे दिन बाल शर्ट कटवाने हैं, कभी पढ़ाई नहीं की तूने? की तो है, क्या हो गया सर, तभी तो आया हूँ। अरे ये भी, ये भी, ये सिफारिश ही नहीं है, ये एग्जैक्टली मेरिट पे आया। हम सही कह रहे हैं जी। उसके बाद आते हैं ज़यान, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तूने देवानंद को कभी देखा? नहीं। अपने आप को शीशे में देख ले। मिनी देवानंद लग रहा है आप। ज़रगून, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़रगून, पश्तो लैंग्वेज में पूरे पाकिस्तान को बताओ कि आज तुम्हारी तैयारी कैसी है। इसका मतलब है आज जो कंटेस्टेंट आएंगे उनको हेल्प करोगे या उनको हरवाओगे? मतलब हेल्प तो करूंगा लेकिन हरवाने का दिल चाह रहा है। ये
क्या बात, आपकी मदद करना है ना। बिल्कुल। ईमान कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बड़ी प्यारी लग रही हो, कहाँ से मेकअप किया है? मैंने खुद ही किया। हाय, खुद ही किया है। अच्छा, मेकअप के ऊपर जितना टाइम लगता है उतना पढ़ाई पे भी लगाती हो कि नहीं? लगाती हूँ भाई, बहुत। मतलब मैं, मुझे बड़ी फिक्र रहती है अपनी पढ़ाई की। अच्छा? यस, पर्सनली। हाय, वेरी वेल। आज का होमवर्क किया कि नहीं किया? किया। वेरी गुड, होमवर्क पूरे करके आई हैं। एंड उसके बाद हमना, हाउ आर यू, कैसी हो? आई एम फाइन। अच्छा हमना, मुझे बताओ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। तो फिर ये सवाल तुम्हें जरूर आना चाहिए, एक पकौड़े के अंदर कितना बेसन होता है? ये कश्मीरी साइंस है। खातिन आजाद, ये थे हमारे बच्चे जो छठी के बच्चे हैं, आपसे वाकई ही अच्छे हैं। खातिन आजाद, आज के हमारे मेहमान जो इनको चैलेंज करने आए हैं, बेचारे उनको पता नहीं उन्होंने किस चीज में हाथ डाल दिया। प्लीज वेलकम, टिकटॉक की दुनिया से इनका ताल्लुक है और टिकटॉक की दुनिया में दे नीड नो इंट्रोडक्शन। प्लीज वेलकम लारेब एंड जरनाब। सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, क्या हाल है तुम? अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये तो छठी के बच्चे ही लग रहे हो खुद। ये तो तुम लोगों की एज के हैं। वाह 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 वाह, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? टिकटॉक ही करते रहते हो, पढ़ाई की आज कि नहीं की? नहीं नहीं बिल्कुल की है। पढ़ाई यहाँ आने से पहले करके आए। बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं? मैं बन रही हूँ डॉक्टर, अभी मेडिकल की स्टडीज कर रही हूँ। मेडिकल की स्टडीज कर रही हूँ, तो फिर तो आपका मेडिकल अच्छा होना चाहिए। जी 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 जी, वेरी गुड। और आप क्या कर रहे हैं? सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। धक्के खाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेचारे को, नौकरी नहीं मिलती यहाँ हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पास बत्ती नहीं आती। अच्छा भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सबसे पहले आप बताएं स्कूलिंग कहाँ की आपकी? सर APSR पब्लिक स्कूल। अच्छा, और उसके साथ साथ आप स्पोर्ट्स का भी शौक है कि नहीं? जी सर। स्पोर्ट का है जो, कौन सी फेवरेट स्पोर्ट्स है? क्रिकेट। यार हर बंदा क्रिकेट खेलता है, कोई यहाँ ये आके नहीं कहता जी मैं जैवलिन थ्रोअर हूँ। नहीं नहीं सर, क्रिकेट, बास्केटबॉल खेलने का शौक था पर वहाँ तक हाइट नहीं जाती थी। हाँ ये भी है, चलो अच्छी बात है, बंदे ने खुद ही कह दिया कि यार मेरी वीकनेस ये है। अच्छा मुझे बताएं स्पोर्ट्स के साथ साथ आपकी हॉबीज क्या है? सर हॉबीज रीडिंग बहुत करता हूँ मैं। अच्छा जी सर, और इसके अलावा आई डू स्विमिंग प्लस ये के रिसर्च करता रहता हूँ। मैं कराची में कहाँ करते हैं स्विमिंग आप? मैं कराची सर्विस मेस। अच्छा वहाँ yes. करते हैं, वेरी गुड। तुम लोगों को आती है स्विमिंग? यस। तुझे नहीं आती बेटे, तू तो जो तूने मफलर पहना हुआ इसके साथ तू डूब ही जाएगा। अच्छा जी आप बताएं कहाँ से स्कूलिंग आपकी? मैं पंजाब से हूँ बेसिकली, तो पंजाब में आफाक स्कूल। वो पंजाबी हो तुम? जी पंजाबी हूँ। तो फिर पंजाबी आंदी बोलनी? बोलनी आंदी है। तो फिर हूं ताड़ा शो पंजाबी चोन लगे भाजी मैं ना कह रहा। अच्छा जी पंजाब से कहाँ से ताल्लुक है आपका? विहाड़ी, विहाड़ी मुल्तान के करीब है। तो तुम कराची क्या कर रही हो? कराची में मैं स्टडीज से रिलेटेड आई थी, तो फिर यहीं पे हूँ फिलहाल फैमिली के साथ अपनी। अच्छा तो क्या मेडिकल में क्या कर रही हो? डेंटिस्ट तो नहीं बन? नहीं नहीं MBBS। MBBS करी? जी जी जी। इसका मतलब पढ़ाकू खानदान है सारा? अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी डॉक्टर है, फैमिली में मोस्टली सब डॉक्टर्स हैं, तो शायद इसलिए भी। हाय, तो फिर वैक्सीन लगवाई है तुम लोगों ने कि नहीं? हाँ जी वैक्सीन तो सबसे पहले लगवा ली थी। अच्छा खेलों का क्या शौक है? खेलों का ऐसे शौक नहीं है मुझे वैसे ज्यादा, मीडिया मतलब मेडिकल के अलावा मुझे मीडिया का ज्यादा शौक है, तो इसलिए बस इसीलिए टिकटॉक पे भी आई। हाय माँ बाप कहते होंगे कि बेटे पढ़ लिख कर क्या की ख्वारी वाला काम नहीं, नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि पढ़ भी रही हूँ ना इसलिए वो ज्यादा कंप्लेन करते नहीं है। अच्छा अच्छा वो कहते हैं पढ़ाई कर लो उसके बाद जो करना कर। जी जी जी। अब्बा हजूर क्या करते? अब्बा हजूर भी मेरे डॉक्टर है, अम्मी भी डॉक्टर है। बच्चों तुम लोगों को फ्री वैक्सीन लगने वाली है, ठीक है? हमारे पास दो डॉक्टर्स आ गए हैं और एक डॉक्टर इन द मेकिंग है। तो अम्मा अब्बा को ये जब आपने कहा कि मैंने डॉक्टर नहीं बनना, मैंने टिकटॉकर बनना है? नहीं ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं, मतलब कहा मुझे प्रोफेशन अपना मेडिकल ही रखना है, ये तो बस शौक है मेरा थोड़ा बहुत, अगर मैं मैनेज कर लेती हूँ तो फिर मैंने कहा क्या बुरा है इसमें। अच्छा भी वेरी नाइस, वेरी नाइस। हॉबीज क्या है? हॉबीज यही है, टिकटॉक ही बना लेती हूँ क्योंकि इतना टाइम मिलता ही नहीं है, स्टडी के बाद टाइम इतना ही होता है कि बस टिकटॉक ही बन सकती है, उसके बाद बस रेस्ट और फिर अगला दिन शुरू हो जाता है। हाय हाय, तो कभी मेडिकल पेपर में नहीं हुआ कि पेपर आ रहा हो बंदा टिकटॉक बना रहा है? नहीं, नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन अगर कभी कुछ ना आए तो टीचर्स ये जरूर बोल देते हैं कि टिकटॉक बनाने का टाइम है, पढ़ने का टाइम नहीं है। ताना पड़ता है और बड़ा पैड़ा पड़ता है। अच्छा भाई हमारे बच्चे जो है ना, इन्होंने ऑब्वियसली बात है ये लोग कहते हैं कि छठी के बच्चे और ये आपसे अच्छे। आज आपको लगता है क्योंकि आपने शो तो देखा हुआ इसलिए आप यहाँ आए हैं है ना? तो आज आप लोग की तैयारी फुल है? बिल्कुल सर। तो आए आपको चल के मिलाते हैं आप लोगों की तैयारी तबाह करने वाला एक ऐसा इंसान जो वाकई यहाँ नहीं बिलोंग करता, लेकिन हम क्या करें कि लाइब्रेरी जहाँ होती है वहाँ लकड़ी होती है और लकड़ी के साथ दीमक भी होता है। तो प्लीज वेलकम शेवी द लाइब्रेरियन। लेट हो गया यार, कसम ये मैंने निकाल लिए,
ये मैंने वीडियो निकाल ली है, ये वीडियो निकाल ली भाई। अरे वाह वाह, वीडियो निकाली है, पकड़े। थैंक यू शेफी, मेरी वीडियो बना दें, ऐसे रखना है वीडियो। ओके, टिकटॉक पे वायरल होना मेरा, ठीक है मैं शुरू कर रहा हूँ। थ्री टू वन बोले, थ्री टू वन गो। बेका बेका है सामा, यही चल रहा है, यही चल रहा है। गो। मेरा दिल ये पुकारे आजा। कितने व्यूज आए? माइनस टू। मेरे दो जो घर वाले थे उन्होंने भी वो भी उन्होंने कर दी। ये क्या बेहुदा हरकत करना है, टिकटॉकर आए हैं तो इसका मतलब अरे तो करोगे। एक मिनट में टाइम सेट कर लूं। अच्छा जी, इनको देख के टाइम सेट करता हूं मैं। लो भाई, डेढ़ बज रहा है। बड़ा वाला कांटा ऊपर है। क्या क्या मतलब यार, टिकटॉकर आए हैं आप? अच्छा, आपका टिकटॉकर हैंडल क्या है? क्या टिकटॉक पे है आपका अकाउंट? जी, मैं टिकटॉक पे हूँ भाई। ये है टिकटॉक पे, आपको नजर आते ही है? ये तो अपने घर में भी नहीं नजर आते, टिकटॉक पे कहाँ से नजर आएंगे। ये क्या बात कर दी यार। अच्छा, आप हैं टिकटॉक पे? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। ओ, इसका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। अच्छा, इसका ये जब इतनी सी थी ना, मैं जब से देखता आ रहा हूँ इसको। अच्छा, इतनी नहीं, इतनी नहीं, तुम बेटा पैदा भी इतनी हुई थी। वो डॉक्टर है भाई, ध्यान से। अच्छा, आप डॉक्टर हैं? जी, मैं हकीम बन रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बात बताएं शेबी जी, जी आज आप अकेले क्यों हैं? मैंने उसको भेज दिया गाँव। हाँ भाई, अरे वाह वाह, असल में अब सीजन आ रहा है, भैंसन आती है ना हमारी, वो उसमें नदी में। मैंने कहा बेगम चले आओ तुम। अच्छा अच्छा, ना धो के आओ आराम। शेबी की बेगम भी होती है, वो आज आई नहीं हुई, इन्होंने जरा मेरे ख्याल में। शब्बो शब्बो मेरी बेगम है, बड़ी प्यारी है वो माशाल्लाह से। बिल्कुल, सिर्फ मुझे नहीं, इनको भी अच्छी लगती है, वो बताते नहीं है। अच्छा, आज आपने मुझे स्पेशली एक मैसेज किया था कि प्लीज मेरा इनसे टिकटॉक बनवा लीजिएगा। जी जी प्लीज सर। वो नहीं हो सकता ऐसा, थोड़ी वो आप उनसे खुद इजाजत लेंगे, मैं नहीं लूंगा। मैं टिकटॉक बनाना चाहता हूँ, आप इजाजत देंगे? सोचेंगे। नहीं, आपके साथ नहीं बनानी, इसलिए सोचेंगे। अच्छा, क्या कह रहा है यार? यही कह रहा हूँ। अच्छा भाई शेबी, आप ऑब्वियसली बात है, आप भी आ गए हैं, हमारे कंटेस्टेंट्स भी आ गए हैं, हमारे ऑडियंस भी आ चुके हैं, तो आइए गेम का आगाज करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि गेम कैसे होती है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं हमारी कैटेगरीज, जिन कैटेगरीज में से इन्होंने 10 सवाल खेलने हैं। वो कैटेगरीज क्या हैं? ये है हमारी कैटेगरीज: साइंस, सोशल स्टडीज, स्पोर्ट्स, एनिमल किंगडम, रिडल्स, पर्सनैलिटी, फिजिक्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, कल्चर, ज्योग्राफी एंड मैथ्स। ये 12 कैटेगरीज हैं जिनमें से आप 10 कैटेगरीज हमारे साथ खेलेंगे। 10 सवाल होंगे, एक कैटेगरी जो पहली आप चूज करेंगे उसमें से दो होंगे, फिर अगली कैटेगरी भी 2 सवाल आपसे किए जाएंगे, बाद में पीछे हमारे पास रह जाएंगे 6 सवाल। लेकिन हर कैटेगरी के अंदर से हमारे जो बच्चे हैं वो हर कैटेगरी के माहिर हैं। किसी का मैथ्स अच्छा है, किसी की साइंस अच्छी है, किसी की जनरल नॉलेज अच्छी है। आपने बारी बारी एक हमारा बच्चा सेलेक्ट करके अपनी टीम में लेके आना है, वो आपकी हेल्प करेगा। अब आपके पास 3 लाइफ लाइन्स है। सबसे पहला है ताका झाकी। ताका झाकी का मतलब है, लेट सपोज आपको आंसर नहीं आता, आपने कहा कि मैं अपने बच्चे का चीट करना चाहता हूं, ताका झाकी, तो आपने उसका ताका झाकी आंसर देखा और आपने छाप दिया, ठीक है जी। दूसरा है छाप दो। छाप दो के अंदर भी आपने कहा कि भाई मुझे तो, मैं तो अनश्योर हूं, मुझे नहीं समझ आ रही, जो इसने लिखा है वो ही छाप दो, ठीक है। अब वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, वो तो आपकी किस्मत है। और लास्ट एंड फाइनल जिसका नाम है बचत। बचत के अंदर आपने क्या करना है, लेट सपोज यू आर अनश्योर ऑफ योर आंसर, लेकिन आपने फिर भी कहा कि आई एम अनश्योर, मेरा आंसर यही है, आई एम टेकिंग द लाइफ लाइन ऑफ बचत। इन केस अगर आपका आंसर गलत हुआ तो इनका ऑटोमेटिकली आंसर काउंट होगा, और अगर वो आंसर सही हुआ तो यही आंसर माना जाएगा, ओके। तो एक तरह आपके पास 2 आंसर्स की चॉइस है, बट वी वोंट बी लूजिंग, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपका आंसर सही हुआ तो वो ऑटोमेटिकली बचत आपकी बच जाएगी, ठीक है, ओके। ये हमारे आपने कैटेगरीज देख ली और हमारे देख लिया, अब देखते हैं आप क्या जीतने वाले हैं। आइए जी, मनी चार्ट। ओके ख्वातीन हज़रात, पहले सवाल 5,000 रुपए के लिए, अगला सवाल 10,000 रुपए का होगा, उसके बाद 25, 50, लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, और लास्ट सवाल कितने का? 50 लाख। वाह वाह वाह। वैसे अगर 50 लाख जीत गए क्या करेंगे आप? सर 50 लाख अगर जीत गए तो सबसे पहले तो शेव करेंगे, फिर उसके बाद नहीं सर, शेव करूंगा तो और छोटा हो जाऊंगा। ओह हाँ, ये भी वैसे थोड़ा सा रहना पड़ता है ना सर। अच्छा वैसे डिवाइड करोगे आज 50-50, मतलब सोच के आए हो कि डिवाइड करोगे? जी सर डिवाइड कर लेंगे। अच्छा मजे की बात है, हमारी जब भी कोई टीम डिवीजन होती है ना, हमारे यहाँ हमेशा फड्डे हो जाते हैं कि तुम्हारी वजह से गलत हुआ, तुम्हारी वजह से गलत हुआ। आप लोगों की पार्टनरशिप कैसी है? बेहतरीन है सर, बहुत बेहतरीन है, 10/10 अल्हम्दुलिल्लाह। शेबी का वैसे काम ही होता है कि वो बीच में लड़ाता रहता है। आपको लगता है कि ये दोनों दोस्त
सही खेलेंगे? नहीं, इन दोनों सहेली में आज झगड़ा होगा। याद रखें, जब एक दफा आपने बजर दबा दिया, आई कांट हेल्प यू आफ्टर दैट। आप लोग जब तक बजर नहीं दबाएंगे, यू कैन ऑलवेज से कि भाई आई डोंट वांट टू प्ले और ये दिस एंड दैट। जब भी कोई चीज आपने लॉक एंड फाइनल करनी होगी, आप दबाएंगे बजर। बजर। okay. और एक बात याद रखें, हम यहाँ सबको कहते हैं कि बच्चों लालच बुरी बला है, इसलिए खुदा के वास्ते जहां आपको लगे कि यार और नहीं, 5, 10 या 1,00,000 रुपए भी जीत जाओ, लो आराम से पैसे, घर जाओ यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। कैश बहुत अच्छा होता है, अगर कैश 5,000 भी आ जाए वो बड़ा अच्छा होता है। आइए जी, तो मेरा ख्याल है गेम शुरू करें। अच्छा भाई जान, आप यहीं खड़े रहेंगे, आप क्या करेंगे? थोड़ी देर देखूंगा ना मैं भी। चलो ठीक है, आप थोड़ी देर यहाँ खड़े रहें, फिर गरीब से टिकटॉकर्स देखना चाहता हूँ मैं। हाँ, तो सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि कौन सी कैटेगरी आप खेलने वाले हैं जी। आइए कैटेगरी चार्ट दिखाइए आपके सामने। हमारी कैटेगरी जो है वो ये है, साइंस, सोशल स्टडीज, स्पोर्ट्स, एनिमल किंगडम, रिडल्स, पर्सनैलिटी, मैथ्स, ज्योग्राफी, कल्चर, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड फिजिक्स। किस से शुरू करेंगे सर? फर्स्ट लेफ्ट साइंस है, तो फिर साइंस से शुरू करते हैं। साइंस से? या अरे वाह वाह वाह, आते साथ ही इन द डीप। ओके साइंस, आप बजर दबाएंगे, मैं लॉक कर दूंगा। डन। ओके जी, बजर दब चुका है, साइंस आपका लॉक हो चुका है। आप देखते हैं आप कौन सा इनमें से नमूना चूज करेंगे, किसकी साइंस अच्छी है बच्चों। हम तो देखते हैं इनकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ। सबसे पहले अयान की, उसके बाद जयान की, और फिर जरगून, ईमान एंड देन फाइनली हमना। ऑलराइट, आपने इनकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ देख लिया, अब आप बताएं कि कौन सा बच्चा आप अपनी पार्टी में डालना चाहेंगे। सर जयान। जयान देवानंद, आ जा रे, आ जा आ जा आ जा। के मफलर पे ना जाना, मफलर के अंदर सारी बूटियां छुपाई हुई हैं, चश्मे के नीचे आए वो, क्या बात है। ओके जी, आप लोगों ने साइंस लॉक कर लिया, अगले दो सवाल जो है वो साइंस के खेले जाएंगे। आर यू गाइस रेडी? या रेडी। ऑलराइट, आपका पहला सवाल 5,000 रुपए के लिए ये है, व्हिच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड? व्हिच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड? आहा हा हा, शेबी तेरी शक्ल से लग रहा है कि तेरा तेरा ब्लड फिल्टर ही नहीं होता। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये तो डॉक्टर का सवाल है। आ रहा है मेरे में ब्लड नहीं, डीजल है। अरे वाह वाह वाह, फिर भी डीजल भी फिल्टर होता है भाई। अच्छा जी 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 डॉक्टर साहब, ये तो आपको आंखें बंद करके आना चाहिए, तो सोचना हाँ, भी नहीं चाहिए। किडनी है जी? किडनी, यानी किडनी, मुझे नहीं बताना आपने, आपने लॉक भी नहीं किया, सिर्फ मेरे से बात करी है। और ये लॉक कर दिया आपने जी, अब आपने जो जवाब दिया है वही होगा, वहां से पीछे नहीं आप जा सकते। बताइए किडनी। किडनी जी, पक्का? पक्का कह रही है किडनी। इनका ये डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने पहले ही साइंस। किडनी, आइए देखते हैं क्या है? किडनी सही है कि गलत? इज इट ट्रू और नॉट? एंड इट इज ट्रू। क्या बात है जी, क्या बात है, वेरी नाइस। आते साथ ही आपने किडनी पे लात मारी और 5,000 रुपए जीत गए। मुबारक उनको, 5,000 दो, घर छोड़ के चलो। तुम्हारी शक्ल देख के उसने तुम्हारी औकात बता दी। गरीब लोग हैं, अभी मेरे जेब में 4,000 पड़े हैं, देख शो करा रहा हूँ नहीं करा रहा ना, इसको कहते हैं तकब्बुर। चल मैं 5,000 जीत गए, वेरी नाइस। बस यही खत्म कर, अगले नहीं नहीं आगे नहीं नहीं, अभी अभी पेट्रोल के पैसे पूरे। अगले सवाल की तरफ बढ़े। ओके जी, साइंस का अगला सवाल आपका ये है, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लाफिंग गैस इज, हाय जो इसके खून में भरी हुई है, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लाफिंग गैस क्या होता है? सर फन फैक्ट है, मुझे इसका आंसर इतने रेडिली इसलिए अवेलेबल है, बिकॉज ये एक मूवी में एक लाफिंग गैस का रेफरेंस आया था, तो उसमें वो बता देता है एक्टर के कौन सी जो है ना वो केमिकल कंपाउंड यूज होते हैं। लाफिंग थेरेपी आपने कभी की है डॉक्टर साहब? नहीं नहीं। क्या मतलब? अभी नहीं की क्योंकि अभी कल अभी तक क्लिनिकल रोटेशंस में एसएच नहीं गए ना, अभी तो बन रही हूँ डॉक्टर। मैंने सुना डॉक्टर की फीस देके हर बंदा लाफिंग थेरेपी करता है, क्या ये बात दुरुस्त नहीं? कुछ हद तक दुरुस्त है। अब मैं आपको बता दूं लाफिंग थेरेपी क्या होती है जी, शैवी बताएं। डेली करता हूं। डेली? सुबह शाम कर रहा हूं मैं। जरा बताएं क्या होती है लाफिंग थेरेपी, कैसे करें? आप बोल रहे हैं आप ले मेरे से।
अच्छा भाई, अगर लाफिंग थेरेपी सुबह नाश्ता ना मिले और अगर तनख्वाह 2 महीने लेट हो जाए वाह वाह वाह, और अगर बीवी कह के मैं कल मैके जा रही हूं और अगर बेगम कह जाओ तुम आजाद हो ये तुम नहीं हो हाँ। हाँ। और अगर बेगम कह तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी रहूंगी तो देखिए ये होती है लाफिंग थेरेपी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आपने बताना है, ऑब्वियस बात है, सोचो। हमारे पास अभी आपका टीम मेंबर भी है जो बेचारा मफलर पहन के आया, जिसको आप इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। अगर आंसर पता है तो लॉक कर लो। इसका मतलब है घर में आपके घर में कौन सबसे ज्यादा फनी है? ये खुद ही है। ओहो, ये तो बड़ा ही मुश्किल होने वाला फिर। अगर फनी का लेवल ये है तो फिर तो फनी का लेवल। सर अभी असल में थोड़ी नॉलेज से रिलेटेड बात हो रही है ना, एजुकेशन, तो थोड़ा सीरियस होकर करनी पड़ती है ना सर। अगर मजाक में ले लिया तो फिर जवाब स्लिप नहीं हो जाता। जवाब देने बताए। यू कांट गो बैक। इट्स नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। आई जी लॉक करें। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। इट इज ट्रू। क्या बात है, वाह 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 वाह। खवातीन हजरात, आज का कमाल का शो इन्होंने खेला है। 10,000 रुपए जीत गए हैं और घर जा रहे हैं। 10,000 रुपए दें। चलो 5,000 आप जाओ हमारे। आप आगे खेलना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर। जी बिल्कुल। अभी 10,000 जीत गए हो, क्या हो गया? नहीं नहीं सर, 10,000 लाइफ में 10,000 बहुत होते हैं। और नहीं नहीं सर, आजकल खर्चे बहुत हैं। ओहो, तो क्या खर्चे तेरे? क्या खर्चे? इसके नहीं है ना, बहुत खर्चे हैं। इसके नहीं है, इसके नहीं है। आपके क्या खर्चे डॉक्टर साहब? सर इनकी स्टूडेंट लाइफ, मेरी स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गई है। अच्छा, उसी से तो फिर तो खर्चे उसके हो लीजिए। शैबे, आपके घर में किसके खर्चे होते हैं? सबसे ज्यादा खर्चा सर मेरे पे होता है। वो तो बनता है, आपकी शक्ल देख के लग रहा है कि आप पे सिर्फ तू पैसा चूसता है और कुछ नहीं होता। नहीं, मेरे पे लगाते हैं। अच्छा, लगाते हैं। कर रहे हैं मुझे। अरे वाह वाह वाह। ख्वातीन हजरात, आगे खेलना चाहेंगे तो बजर दबा दें, आपका 10,000 रुपया लग जाएगा। आप बजर दबा चुके हैं ख्वातीन हजरात। आइए चल के मनी ट्रीक से पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अभी हाजिर होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं बोल एंटरटेनमेंट पे छठी के बच्चे। छठी के बच्चे आपसे अच्छे जी। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे कंटेस्टेंट्स लारेब और जरनाब, आप दोनों 10,000 रुपए जीत गए, मुबारक। लेकिन बेवकूफी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं लालच। बुरी बला है। अरे वाह 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 वाह, आप लोगों ने 10,000 रुपए जीता है। सबसे पहले तो हमारे जो बच्चे हैं इनको आप थैंक यू करें। थैंक यू सर, थैंक यू जान, थैंक यू वेरी मच। आप वापस जा सकते हैं। एक सवाल कर लो। जी जी, आप तो हमेशा करते हैं। अच्छा, आप दोनों की फ्रेंडशिप कैसे हुई? हम लोगों की फ्रेंडशिप जो है ना, वो शूट पे हुई। कौन सी शूट? एक म्यूजिक वीडियो था, वहाँ पे शूट था, तो मैं मुझे इनसे फर्स्ट टाइम वहाँ मिला था। ओके, आइए जी। अच्छा जी, शो शुरू होने से पहले हम एक वीडियो, आई है वीडियो, लीक हो गई। हमारे पास भी वीडियो लीक्स होती है, आजकल तो वीडियो लीक का ट्रेंड ही चल रहा है, तो आइए चल के देखते हैं ये वीडियो क्या है। यू मी क्या बात है, सारे पैसे माहौल के हैं। ज़ारेब फॉरएवर, ये क्या है? वीडियो बनाने के सर। ज़ारेब जो था वो आपका फोटोग्राफर था? नहीं नहीं सर, ज़ारेब इज टेक्निकली हाफ, स्टार्टिंग का जो है ZAR दैट इज हर एंड AIB दैट इज मी। अरे वाह, लारेब का तो ये ऑफिशियल है? ये सर फैन मेड है, जो सारे सपोर्टर्स हैं उन्होंने, जैसे सब फ्रेंड्स का एक अलग अलग उन्होंने खुद से क्रिएट किया, तो हमने उसको फिर ऑफिशिएट ही कर दिया कि हाँ ये अच्छा है। अच्छा, तो आप दोनों एज ए टीम ही ऑपरेट करते हैं? जी सर। तो हाँ कब हो रही है? सर टीम के लिए हाँ हुई भी है। अच्छा हाँ हुई, टीम के लिए हाँ हुई भी, टीम के लिए हाँ हुई है। अच्छा, और सर माफी होने क्या नहीं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा जी, आप देखते हैं ब्रेक पे जाने से पहले आप लोग कहाँ थे। मनी ट्री, 10,000 रुपए आप जीत चुके हैं। अच्छा, अब होगा क्या,
अगर आप बजर दबाएंगे तो ये 10,000 रुपये ऑटोमेटिकली बैंक में चला जाएगा, लेकिन अगर आप बजर नहीं दबाएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करूंगा कि 10,000 रुपया लो, कैश लो और जाओ। क्या कहते हो, क्या करना चाहते हो? नहीं नहीं, हम आगे खेलेंगे। बिल्कुल खेलेंगे सर, इतनी पढ़ाई करिए, थोड़ा सा ट्राई करते अपने भी। और इनका ही बहुत सुना है कि दे आर वेरी चैलेंजिंग अमंग ज्यादा कंटेस्टेंट, और डरा भी देते हैं बार बार यूं यूं देख देख के। भाई ज़ारेब आज आप लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, तो ज़ारेब फिर बातें क्यों कर रहे हो, बजर दबाओ ना। 10,000 रुपया गए, 10,000 रुपया गए, आए 10,000 रुपया गए। वो कितनी खुशी है ईमान। हाय 10,000 रुपए गए, आइए चल के देखते हैं कौन सी कैटेगरी आप खेलने वाले हैं। जो कैटेगरी हो गई है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। आइए कैटेगरीज दिखाए। साइंस चली गई, ओके। अब आपके पास बचा है सोशल स्टडीज, स्पोर्ट्स, एनिमल किंगडम, रिडल्स, पर्सनालिटी, फिजिक्स, जर्नल नॉलेज, इंग्लिश, कल्चर, ज्योग्राफी, मैथ्स। वैसे कॉलेज में आपका सबसे स्ट्रॉन्ग, अब ज़ारेब को मैं किस तरह कहूँगा, ज़ारेब। अच्छा तो ज़ा मुझे बताओ कि आपका कॉलेज में सबसे, मेरा सर हाँ, कॉलेज में सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था? सर टेक्निकली मुश्किल नहीं था, बट इंग्लिश, क्योंकि वो इतनी पढ़नी नहीं पड़ती थी। है जी सर, आजकल तो हर लड़की इंग्लिश में बात करती है। सर वो ये वाला जो है ना सर, वो बड़ा मसला आया था सर, अगर ये वाला करने लग जाए ना। यो वाओ, तो इंग्लिश इज टफ फॉर यू? नो नो, इट्स इजी फॉर मी। अच्छा इंग्लिश इज इजी फॉर मी। मैथ्स टेक्निकली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सर, क्योंकि मैथ्स के मामले में सर मुझे मम्मा से नहीं, असल में ना हमारे पास एक कंटेस्टेंट आए थे, ही वाज द वन ऑफ द मैन ऑफ द टॉक इंग्लिश, ही डिड एंड व्हेन ही टॉक द शो एंडेड वेरी द मुश्किल, यस, डाइड ऑफ द रोड ही डिड, या डू डिड ऑफ द कंट्रोल रूम ही लिसनिंग टू अस, यस सर। वो हमारे एक दोस्त है, वो भी वो तीन टर्म्स होते हैं ना, तो डू डिड डिड होता है ना, उन्होंने बोला डू डिड डज। हाँ नहीं नहीं, वो असल में ना उनके ऊपर इंग्लिश नाजिल हुई थी। वो हमारे एक हैं दोस्त जानने वाले, खैर उनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं याद रखूँ। तो जी आप बताएं कौन सी कैटेगरी लेंगी आप? इंग्लिश या एनिमल किंगडम में से कोई ले लेते हैं। रेप्टाइल। ज़ारेब यार ये तो वाह वाह वाह, रोक पे प्रोसीजर कर ले। ओहो एनिमल की क्या बात है। खातिन हज़रात हम जरा थोड़ी देर के लिए ना ज़ूम इन करते हैं, एक दो फिर से करो, फिर से करो। नहीं नहीं हमने बस ले लिए दवाएं। हाँ ओके दब गया, आप बताओ कौन सा ले रहे हो? एनिमल किंगडम है। एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, अरे वाह वाह वाह। ये साइंस क्या थी पहले ये मुझे बताओ, ये मतलब लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं लेकिन तुम लोगों ने यीशु पंजू हार कबूतर डोली खेला। सर कॉन्फ्लिक्ट ना हो ना। अच्छा मैंने कहा शायद यीशु में हार कबूतर डोली भी आती है। अच्छा। नहीं नहीं सर, बस कॉन्फ्लिक्ट ना होना, इसलिए जो है ना हम छोड़ देते हैं इस तरह की गेम्स पे। इंग्लिश और एनिमल किंगडम में कंफ्यूज थे कि पहले कौन सा। पता है ये सारी चीजें ना जब तक हाँ नहीं होती ना बड़ी अच्छी लगती हैं, हाँ के बाद ना ये चीज खत्म हो जाती है, फिर जो बॉस कहते हैं वही होता है, ठीक है, इंसान न्यूट्रल ही फिर रहता है सारी जिंदगी के लिए। अच्छा जी आप लोगों ने एनिमल किंगडम चूज किया है, कोई खास वजह? सर खास वजह मैं इंग्लिश कह रहा था, बट इन्होंने बोला एनिमल किंगडम। आई गेस एनिमल किंगडम थोड़े से शायद इजी सवाल हो। एनिमल किंगडम से जानवरों का शौक है, कुत्तों से प्यार है, बहुत डर लगता है सर। ओहो बिल्ली से? सर अच्छी लगती है मगर वो जो है ना वो ऐसे स्क्रैच कर जाती ना तो उससे भी डर। वहाँ क्यों देख के कह रहे स्क्रैच है? अरे यार क्या ये, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। ऑलराइट एनिमल किंगडम आपने चूज किया बच्चों, किसकी एनिमल किंगडम अच्छी है? अरे वाह 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 वाह, सबकी एनिमल किंगडम अच्छी है, ये सब पिंजरे में पले बड़े हैं इसलिए इनको पता है। सबसे ज्यादा गुस्से वाला ज़रगून है। हाँ ज़रगून तो बहुत गुस्से वाला लग रहा है वहीं से। वो थोड़ा सा ना क्या हो मतलब, ज़रगून इतना क्यूट है ऐसे देख रहा है मैं ऐसे। ए लका दिल तराशा। सर हम ज़रगून को बुलाएंगे। ज़रगून आ जा। जरगून भाई आ गए हैं जी। वैसे तो हमारे सारे बच्चे बड़े अच्छे हैं लेकिन जरगून जो है वो बड़ा चालाक भी है वैसे, भाई तो आपको बताता जो। अच्छा जरगून आपके पास आ गए हैं, अभी तक आपके पास तीनों चीट्स अवेलेबल हैं। आपने चूज किया एनिमल किंगडम, 10,000 आपका चला गया है 25,000 रुपए के लिए। 25,000 रुपए ATM की लिमिट भी होती है, आज बंदा पिक्चर भी देखेगा और उसके बाद ये सुपंजू भी खेलेंगे। सर मेरे डेबिट कार्ड की लिमिट 1,00,000 रुपए। शो ऑफ। चलो खुशी होता है, ठीक है अच्छी बात है। 1,00,000 रुपए ठीक है आपकी अच्छी भाई, इनके पास 1,00,000 रुपए तो पहले ही है, तो भाई हम लोग इनको 25,000 जिनसे 1,00,000 रुपए लेते हैं हम। सर लिमिट ला के अभी भरने हैं उसमें। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोगों का एनिमल किंगडम लॉक होता है। पहला सवाल एनिमल किंगडम का, अब ये दो होंगे इसके सवाल, ठीक है आपके दो सवाल हो चुके हैं एनिमल किंगडम का। आपका सवाल ये है, ओपन वैस्कुलर सिस्टम इज यूजली फाउंड इन डैश।
open vascular system is usually found in कोई से भी कोई कोई सा ये वैसे तो कई जानवरों में होता है आप किसी एक का नाम ले सकते हैं एक का ले सकते हैं हाँ एक का ले लें हम पांच छह का नहीं पूछ रहे आप एक कोई से एक का बता दें देखिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी ना दो सवाल है सही है तो हो सकता है अगला थोड़ा टफ हो मगर इसमें थोड़ा सा मतलब 50-50 क्या बोलो हमें भी आवाज आए क्या डिस्कस करें ना क्या रात का खाना तो नहीं डिस्कस नहीं 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 गेम शो डिस्कस हो रहा है बिल्कुल ऊंचा सर हम जो है ना वो जरगून की हेल्प ने बना दी जोड़ हम लाइफ लाइन यूज करेंगे कर लो ना क्या क्या करेंगे सर हम जरगून की हेल्प लेंगे क्यों वो मुफ्त का बच्चा है क्या मतलब सर आपने उसको बुलाया हुआ इसलिए हेल्प लेंगे अबे अभी अभी 10,000 तक पहुंचे हो लाख रुपए का फड़िया मार रहे थे साथ ही हेल्प नहीं नहीं सर कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस और ओवर कॉन्फिडेंस रेट होता है सर चल बता कौन सा चीट लोगे ताका झाकी बचत ले लेते हैं अगर वो सही हम भी बताएंगे या बचत लोग बचत एंड में लेते हैं नहीं तो अगर सही बताएंगे तो एंड में आ जाएगा ना टफ के लिए होती है वो टफ के लिए होती है स्टार्टिंग में बताओ ताका झाकी ले लो फिर सर हम थोड़ा सा स्टॉक कर लेते हैं हाँ ओके जी लॉक करें ताका झाकी ताकि मैं फिर आपको कि आपकी चीट जाए हाय लड़की ने दबा दिया आप नहीं जा सकते खादीन हजरात ताका झाकी प्लीज आइए आंसर देख लीजिए ये आंसर आपका हुआ टेन 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 अरे ये तो शादी का कार्ड है बड़ा अच्छा बनाया तूने वेरी नाइस सरगुन इतनी जब छोटी हो शादी कर रहे हो तुम यार ब्रो आपकी मर्जी आप ये जवाब भी दे सकते हैं अपनी मर्जी का भी जवाब दे सकते हैं एक चीट तो आपका चला गया अभी भी सोच रहे देखो कितना इनडिसाइसिव है ये है ना अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पा रहा सर विल गो विद द ताका जाकी आंसर प्रॉन्स प्रॉन्स या अच्छा चाइनीज खाते हो ये तो बिल्कुल नहीं खाते मैं बिल्कुल नहीं कभी कभी कराची में रह के झींगा नहीं खाना तो फिर क्या झींगा लाला 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 हूं ओके ये खाते हैं ओके प्रॉन्स आपने कहा प्रॉन्स इज टू प्रॉन क्या बात है जी क्या बात है जी आप देखते हैं मनी ट्री पे आप 25,000 रुपया जीत चुके हैं 25,000 रुपया आइए कहाँ हैं आप मनी ट्री में आप जब बजर दबाएंगे तो ये 25,000 रुपया आपके हाथों से चले जाएंगे अभी 25,000 रुपया आपके हाथ में है आप बजर ना दबाएं मैं तो कहता हूँ 25,000 रुपया लो वो जो 1,00,000 रुपया लिमिट है उसके अंदर 25,000 रुपया डालो और उसके बाद आज देखो द लेजेंड ऑफ मौला जट जाके देख लिए वेरी नाइस वेरी नाइस फर्स्ट डे फर्स्ट शो हाय दबा दिया इसने 25,000 रुपया लग गया वैसे तो ब्लैक पैंथर भी लगी हुई है 25,000 रुपये में 2-3 फिल्में आराम से देख लोगे आए जी अब आपका 25,000 रुपया चला गया है अब आप 50,000 रुपये के लिए खेलने वाले हैं आपके पास एनिमल किंगडम का ही एक और सवाल आएगा यस सर हाँ एनिमल किंगडम का आपका अगला सवाल अब क्या है जी What is the loudest animal in the world वैसे तो बीवी होती है लेकिन एक मिनट आंसर है बीवी लेकिन हम एनिमल की बात करें खवातीन हजरात अब मैं आपसे पूछता हूं सबसे पहले मुझे बताएं छठी के बच्चे आप से अच्छे अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है बहुत अभी तक तो अच्छा जा रहा है अभी तक तो अच्छा जा रहा है क्योंकि अभी जीत रहे ना तो अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है बिल्कुल मैंने सुना आप दानिश के शो पे भी गए थे सर वही होते हैं होते वही हैं अच्छा होते ही वही हो तो अरे वाह ये सीजन क्यों नहीं किया इस सीजन में भी हैं हम लोग ये सीजन अभी स्टार्ट हुआ 3 शो हुए हैं उसके अभी अरे वाह और कितने अरसे से कर रहे हो दानिश के साथ सर मैं तकरीबन 2020 से या अरे वाह वेरी नाइस मतलब एक तरह देखा जाए तो उसने अडॉप्ट किया हुआ तुम लोगों को यही समझ लें यही समझ लें लेकिन उसने कभी इतने पैसे नहीं दिए होंगे जितने हम देने वाले हैं 50,00,000 क्या जीत सकते हो तुम लोग 50,00,000 सर इंशाल्लाह पहले 50,00,000 तक पहुंचे तो सही इंशाल्लाह उसने पहले कह दिया मैं तो नहीं पहुंचने वाला नहीं नहीं पहुंचेंगे इंशाल्लाह ये इस गेम शो से नहीं मगर दानिश के गेम शो से क्या आप लोगों को करियर वाइज क्या हेल्प हुई सर करियर वाइज तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है इन टर्म्स ऑफ सोशल सोशल प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा हमें बूम मिला है असल बात कर टीम बन गई ज़रेब असल बात नहीं आ रहा है सर मुखलिस दोस्त मिले बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल घर वाले देख रहे हैं सर उनको पता है देख रहे तभी तो आए
दोस्त मिले या कोई आस्तीन के सांप भी? सांप तो बहुत सर, वो तो हर जगह ही मिलते हैं वो तो। कोई दोस्त से नाम ले दो आस्तीन के सांप का। सर उनको पता है वो कौन है? अच्छा उनको पता है उनको नाम लेके जाया क्यों करें? आए हाय हमारा बच्चों वाला शो है, हम लोग यहाँ सांपों की बात क्यों कर रहे हैं? एनिमल किंगडम का सवाल है तो इसलिए। अच्छा भाई सवाल तुम लोगों का ये था, व्हाट इज द लाउडेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, वो कौन सा जानवर है जो सबसे लाउड है? याद रखो पानी के अंदर भी कई चीजें आवाज निकालती हैं। बिल्कुल सही है। अक्सर जो हमारा शैबी है वो जब नहा रहा होता है तो पानी के अंदर ही वो आवाजें निकालता है। नाया ना नाया बराबर ही लगता है। जी तो आपने एक चीट इस्तेमाल कर चुके हैं ताका झाकी, आप 50,000 रुपए के लिए खेल रहे हैं, 25,000 रुपए आपके हाथ में था जो आप लगा चुके हैं। अब अगर आपका सवाल गलत हुआ तो सर एक इत्तेफाक है कि पहला सवाल का जवाब ही मैंने आपको एक मूवी का रेफरेंस था और मैं मूवीज बहुत देखता हूँ, बहुत ज्यादा। मैं आई टोल्ड यू बिफोर कि मैं मूवीज और रीडिंग बहुत करता हूँ। देख लो अभी से कह रहे कि मैं मूवीज बहुत देखता हूँ, काम नहीं करेगा। अच्छा हाँ सर ये वेल की कैटेगरी से ही है, वेल में भी बहुत सारी वेल्स हैं, वेल्स भी मतलब बहुत सारी हैं, मतलब अगर जुरासिक वर्ल्ड में है ना फॉर्म वेल आती है। सर बजर करना पड़ेगा जी बट मैं 70-80% श्योर हूँ, लाइफ लाइन एक यूज कर ली दो रह गई हैं बट अभी सब अभी थोड़ी करने 50 लाख तक जाना है। अरे ये मोटिवेशन, ये उसकी मेडिकल फीस देनी है आई सर ये नहीं आई ब्रिटिश शो आई गेस इंश्योरेंस से दबा दे। औरत ने दबा दिया, औरत धक्का देने वाली है। सर मैं यूं सर मैंने तो आपको कहा था फटे होंगे। जरेब क्या हो रहा है ये? नहीं नहीं सर अब तो आपको जवाब देना पड़ेगा, अब आप चीट नहीं ले सकते। नहीं सर इट्स स्पर्म वेल। स्पर्म वेल? स्पर्म वेल। आर यू खैर अब तो अब क्या 70-80% श्योर बट आप तो अब तो दबा दिया उन्होंने। अच्छा भाई आप देखते हैं स्पर्म वेल किस किसने आंसर दिया था, हाथ खड़ा करे भाई। 1, 2, 3, 4, 5 स्पर्म वेल का। स्पर्म वेल इज इट ट्रू? इट्स ट्रू, वेरी नाइस। अब देखते हैं मनीष द्वीप आप कहां तक पहुंचे हैं। आइए आपने अपने 25,000 रुपया दाव पे लगा के जीते हैं 50,000। बच्चों 50,000 रुपया अच्छी अमाउंट है ना, तो क्या कहेंगे? छोड़ दे। लालच बुरी बला है। क्या इनको आगे खेलना चाहिए? नहीं। क्या इनको पैसे लेके घर जाना चाहिए? जी। ये देखो बच्चे कह रहे हैं सर, वो तो आप जो बोलेंगे वो तो बोलेंगे ना सर। मैं तो कुछ कह भी नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ क्या मैं कह रहा हूँ, क्या इनको घर जाके आराम से 50,000 रुपया घर वालों को देना चाहिए? जी। हाय हाय वो कह रहे नहीं 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 50,000 रुपए की तो प्लेस्टेशन भी नहीं आती, क्या बात कर रहा तू? सही बात है। जी अब आपके ऊपर है, अगर आप बजर दबाएंगे तो मैं ये 50,000 रुपए जो कैश है वो वापस रख दूंगा। लालच बुरी बला है, 50,000 रुपया आपका चला गया, बाय 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 बाय। अच्छा जी जरूर, थैंक यू वेरी मच। आपने दो सवाल, आपने टिकटॉक कब शुरू किया और क्यों शुरू किया? मैंने टिकटॉक सर बैक इन द टाइम इट वाज कॉल्ड म्यूजिकली 2017 में मैंने सर अपनी पहली म्यूजिकली बनाई थी, मेरे फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया था कि यार ये देयर इज एन एप्लीकेशन, डब स्मैश था उसके बाद ये आया था। वाइंस थी उससे पहले? तो वाइंस उससे पहले वाइंस थी, उस वक्त वो नॉलेज नहीं थी। तो डब स्मैश के बाद ये म्यूजिक के लिए आया था, दोस्तों ने बोला लारे बनाओ कॉज सर मुझे बड़ा मजा आता था लोगों को हंसाने में मस्तियाँ करने में, आई वाज इनटू डांस और इस तरह। अच्छा, तो वो ऐसा ऐसा खत्म होती जा रही है खुशी। नहीं नहीं सर तो कितने फॉलोवर्स हैं वैसे अब? कहाँ पे सर? टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। ओहो कारिज कितने फॉलोवर अगेन हैं? टिकटॉक पे कितने हैं सर? टिकटॉक पे इट्स 3.5 मिलियन। 3.5 मिलियन, वाह वाह। और इंस्टाग्राम पे सर इट्स 1.4 मिलियन 1.5 सून। अरे वाह। और फोन पे? हाय सर फोन पे ये सर सर वैसे तो काम थेरेपी हो रही है। हाँ जी जी लाफ्टर थेरेपी जी 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 सर फोन पे काम के कॉन्टेक्ट है सारे। फोन तो इनके पास होता है। जी 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 इंस्टाग्राम से याद आया ये कुछ एक और वीडियो कुछ लीक हुई है। जी वाह वाह वाह। इंस्टाग्राम पे जरनाब आपके 715K और लारेब आपके 1.4
क्वेश्चन इज दिस, आप दोनों की डीपी सेम क्यों है? सर शनाख्ती अलामत है। अरे वाह, दाएं दाएं गाल पे चुड़ैल है। सर खाना ना मिले तो कभी कभी चुड़ैल बन जाती है। अरे हो। अच्छा आप दोनों में से गुस्सा किसको आता है? इतना सच नहीं बोलना। अच्छा इतना नहीं बोलना था। ओए इतना सच ना बोला करो, तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। अरे वाह। और सबसे ज्यादा मनाता कौन है? अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, अच्छी, वेरी नाइस। आप दोनों पे तो एक शो बनता है इससे हटके, हम अभी आपको छठी के बच्चों पे बुलाया, आपको तो होना चाहिए कि हमारे छह बच्चे। Anyway, ladies and gentlemen, next. Oh, भाई तू तो जाना जरगुन. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. ठीक है. Okay. अबे आजा चल, आजा चल. चलो जी. अच्छा जी. What does ZF Heart LK stands for? ज़फ़री फारूक और ज़फ़री फारूक लालू. लियाकत खान हैं. सर ये डिग्निफाई करता है कि सर आजकल बहुत दोस्तियां बनती है ना, और फिर वो टूट भी जाती हैं। अच्छा इंशाल्लाह इट्स फॉरएवर दोस्ती हमारी। यार वैसे तू कितना बता, ये होता कि यार मैंने, मैं कह रहा हूँ यहाँ वॉक करना, कहता हाँ सर ये देखे ना, सर ये देखे ना, ये जो चीज सामने उसको मान क्यों नहीं रहा तू? हैं हार्ट बन गया है तो फिर भी क्यों नहीं उसको मान क्यों नहीं रहे? सर तो मैं तो बोल रहा हूँ हार्ट है सर, ये देखे हम दोस्त हैं, हम दोस्त हैं। चलो वेरी नाइस। खादीन हज़रात, हमने यहाँ एजुकेशन के शो के साथ साथ रिश्ते का भी शो कर दिया है। लड़का अगर अच्छा हो, लड़की अगर अच्छी हो, तो घर वालों को हम फोन करेंगे और उनसे भी सवाल पूछेंगे। खवातीन हज़रात, हमारी अगली कैटेगरी है देवर कहाँ का होगा। नहीं, आइए चल के कैटेगरी देखते हैं। जे आपकी कैटेगरीज कौन कौन सी हो गई हैं और कौन कौन सी रह गई हैं? साइंस हो गया, एनिमल किंगडम भी हो गई, अब रह गया आपके पास फिजिक्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, कल्चर, ज्योग्राफी, मैथ्स, पर्सनैलिटी, रिडल्स, स्पोर्ट्स, सोशल स्टडीज और वेडिंग प्लानिंग। वो कहाँ गया? वेडिंग प्लानिंग नहीं है। अच्छा वेडिंग प्लानिंग नहीं है, सॉरी वो कैटेगरी नहीं है। जी बताएं कैटेगरी सोचे और मैं लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको हम बताएंगे कि कौन सी तारीख है जहां पक्की हो रही है बात। नहीं हो रही। खादीन आजाद, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, आप देख रहे हैं छठी के बच्चे। आप देख रहे हैं छठी के बच्चे, आपसे अच्छे। Only on Bold Entertainment. ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास दो लव बर्ड्स, मेरे मतलब है दो कंटेस्टेंट्स आए हुए हैं जो कि दो प्रोफाइल एक जान हैं। ज़रनब, हेलो। हेलो। बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी रोटी को चोची कहते हैं। अच्छा भाई, आप दोनों 50,000 रुपए तक जीत चुके हैं। 50,000 रुपए अगर आप बजर दबाएंगे तो हम 1,00,000 रुपए के लिए खेलेंगे। आगे बात करूं कि ना करूं, या बजर दबाओगे? सर देर आर सर्टन कैटेगरी जिसमें थोड़ी बहुत महारत है तो हम आगे खेलेंगे सर। तो फिर बजर दबाओ। और मजा भी आ रहा है तो बजर दबाओ। ये 1,00,000 रुपया लग गया, अब आया ना एटीएम में 1,00,000 रुपया है। अच्छा जी आप देख, साहब का फोन आया मेरे पास, वो बता रहे तुमने उनका सारा हुक्का पी लिया है। अब जब तुम्हारे को मैंने बाबू बीड़ी पे लगाया हुआ है, हुक्का क्यों पी रही हो तुम? हाँ बाबू बीड़ी पियो तुम, सब वो जिंदगी बर्बाद कर दी इसने गांव जाके। जाहिर बात है उसने जिंदगी बर्बाद। कहाँ तक पहुंचा भाई? 1,00,000 रुपए खेलने लगे। अरे वाह, 1,00,000 रुपए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो आपने जीते होंगे अकेले, मुझे इसका पता है। नहीं नहीं, साथ जीते हैं आप लोग। माशाल्लाह फ्रेंड्स फॉरएवर। जी जी फ्रेंड्स फॉरएवर, बिल्कुल हम दोनों। ये लोग माशाल्लाह से फिल्म भी देखने गए थे एक दफा। अच्छा हाँ, मुझे मेरे पास आया सिनेमा हॉल में, कहते हैं हमें दो कॉर्नर की सीट देना। अच्छा आपके भाई ने चल्लाकी की है, कोई इस कॉर्नर की दे दी, कोई इस कॉर्नर। देखो फिल्म देखो आज। उसके बाद बेचारे आप लोग सिर्फ गाली दी होगी और कुछ नहीं। माशाल्लाह फ्रेंड्स फॉरएवर। चल मैं मान लूंगा कि फ्रेंड्स हो, तू ज़रनब को कोई गाना डेडिकेट कर, ज़रनब तुझे करे गा के। अभी मेरी आवाज गाने वाली है ही नहीं यार। अच्छा चलो एक मिनट, इसका फेवरेट कलर क्या है? इनका अभी nowadays ग्रीन। अच्छा उनकी फेवरेट सिंगर कौन है? सिंगर एज सच इनको खुद को गाने का शौक है, पर इनको इनकी अम्मी की आवाज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। अरे वाह। अच्छा इनके फेवरेट डिश कौन सी है? ऑल द टाइम बिरयानी।
बस बस सब कुछ तो पता है। तो सर दोस्तों का मुझे पता मेरे दोस्त का शक्ल भी नहीं याद। हाँ और तुझे ये सब कुछ पता है? मेरे को तो मेरे अब्बा की नहीं याद। बताओ अब्बा की शक्ल नहीं याद तुझे? कैसी है बेटे? तूने घर जाने के लिए जाने पहले मुझे बता तेरे अब्बे ने ना तेरे वाह 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 वाह। अच्छा भाई क्या बात है, काश हमारे भी दोस्त ऐसे हों जिनको हमारी हर चीज का पता हो। अगले साल ये दो हो जाने एक मेरे को। अच्छा भाई कौन सा गाना अपने फ्रेंड को डेडिकेट करोगे? बल्कि डेडिकेट क्या, गा के सुनाए। आप गाते भी बड़ा अच्छा है जी, आपकी तालियों में ये। हाँ सर गाने में इनको दो पॉइंट मिल भी जाते हैं। नहीं नहीं गाने आपने गाना है, चले जी जी 3-2-1 गो। ये इसने हैक साफ किया अपना। अब गाने दे गाने दे सर। गाना जेन्युइनली सर मुझे अभी जहन में ही नहीं आ रहा सर। हाँ, पढ़ाई घूम रही है सारी। देखो जहन में आ जाएगा सर। लाख रुपए घूम रहे हैं। नहीं नहीं उसको देख, अभी लाख रुपए आए नहीं। चल गाना मैं बता देती हूँ, आप गा लें, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गए। चले चले सर आप साथ दे देना कोई साहब। यूर वेरी गुड, बहुत ज्यादा पैसे ले तो। चल सर अभी थोड़ा सा फेवर दे देना। चलिए ले। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। चल गो। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। लिरिक्स दिखा दो। इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। आहा क्या फोर्सफुली आपने एक्सेप्ट करवाया। वाह जी वाह। अच्छा जी अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा इधर देखिए, लाख रुपए के लिए लोग खेलने लगे हैं। आइए जी लाख रुपए के लिए आपकी कैटेगरी सब देखते हैं कौन कौन सी है। हाँ आप बताएं जी कौन सी कैटेगरी खेलना चाहेंगे? इस साइड से चूज करते हैं। इस साइड से कुछ पूछ लो, उस साइड से तो सारे फारे हो रहे हैं। नहीं नहीं क्योंकि ये अच्छी वैसे लॉजिक है। इस साइड से पूछ लो, उस साइड से दे। मैं इंग्लिश मेरा थोड़ा सा अच्छा है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि उसको बात के लिए बचा के। इंग्लिश आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश सर। बट मैं ज्योग्राफी आई गेस सर, आई विल गो विद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, अरे वाह। इनके घर का पता क्या है? ज्योग्राफी का सवाल सर, वो तो मैं आंखें बंद करके बता दूं। अच्छा भाई ज्योग्राफी किस बच्चे की अच्छी है? हा हा हा, एक टीम मेंबर आएगा ज्योग्राफी में, क्योंकि आप ज़ियान को भी इस्तेमाल कर चुके हैं और ज़रहून भी आपको हेल्प कर चुका है। पीछे हमारे पास बचे हैं अयान, जिसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। सर विल गो विद ईमान। ईमान ईमान, वेरी गुड। अच्छा भाई ईमान आपने आज इनकी हेल्प करनी है ज्योग्राफी में। ओके ज्योग्राफी आपकी तो वैसे भी बड़ी अच्छी है ना। ऑलराइट बच्चों आप लोगों का अगला सवाल 1,00,000 रुपए का ये है। व्हिच इज द स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान? वाह 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 वाह, लाख रुपए के लिए है। व्हिच इज द स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान? इसका आंसर है शेबी के घर के बाहर जेड़ा गंदा नाला है गया। ओ मेरे लिए तो वही है। हाँ वही है स्मॉलेस्ट रिवर। आप देखें किस किन किन किस गुस्से की नजरों से यूं देखा जा रहा है। मशवरे तो मियां बीवी आपस में नहीं करते सर। हाँ आप नहीं करते मुझे पता है। कैसा लगा? कैसा लगा? कैसा लगा? लगा लगा कैसा? अच्छा भाई देखो टीम वर्क हो रहा है, अच्छा हो रहा है। मतलब ऑब्वियसली पता है लाख रुपए तक पहुंच गए हैं सर। लाख रुपए जीतना है। ये वाला सवाल भी अभी न्यूज में बहुत था। अच्छा क्योंकि पानी की किल्लत आने वाली है थोड़े टाइम में पाकिस्तान आ गई है बड़ी देर। बिल्कुल जी जी वैसे आ गए। और मतलब कहते हैं कि बिल्कुल 25 तक तो कहते हैं कि 25 तक, इसलिए बोरियां भर लो। ठीक है ये बोरियों में भर के लाते पानी। हाँ सर स्मॉलेस्ट रिवर जो है ना सर टेक्निकली वो है दरियाए रावी। दरियाए रावी इज द स्मॉलेस्ट रिवर? पक्का दरियाए रावी इज द स्मॉलेस्ट रिवर? अच्छा मतलब चीट ले सकते हो, चीट ले सकते हो। देखो कितनी कितनी आग लगी हुई, कितनी आग लगी हुई है कि बस दबा दूं मैं। अच्छा मैं देखा ही नहीं। हाँ देखा ना ये बटन है, लारेप नहीं है जो दबके रहे। सबसे ज्यादा बेसब्रिया कौन है आप दोनों में से? बेसब्रा लारेप अरे बेसब्रा जी। और डोमिनेट कौन करता है वो तो खैर हमें ये सवाल का क्या जवाब है, ये इसका तो पता है बेचारे का। वो देखो उसका उसकी उंगली यूं हो रही थी। जी जी हाँ जी तो बस नहीं सर हम वी विल गो विद आराम। बजर तो मुझे क्यों कह रहा ओ दब गया। अच्छा जी आइए देखते हैं हमारे बच्चों ने किसने
रावी का नाम लिया। हाथ खड़ा करो, रावी 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 रावी। आए, बच्चे को नहीं पता, बाकी सब बच्चों को पता। ये मल्ले का बच्चा आ जी, वे रावी दुरुस्त है कि नहीं? रावी सर, अब एटीएम की लिमिट हो गई पूरी, अब गेम खेलेंगे। आप जी लाख रुपए हो गए, आइए जी मनी ट्री देखते हैं। बच्चे लाख रुपए जीत चुके हैं, अब इनकी बारी आती है ऐश करने की। लाख रुपए के बाद आपका फौरन इनाम जा रहा है 2.5 लाख रुपए पे। सोचो ना, बजर दबा दो। अगर बजर दबा दोगे तो लाख रुपए चला जाएगा, अगर बजर नहीं दबाओगे तो मैं लाख रुपए अभी दूंगा और ये गेम खत्म कर दूंगा। अभी जल्दी से सोचो, 3 2। और क्या यार, ये देखे ना, इन्होंने सोचा ही नहीं और इन्होंने बजर दबा दिया। खवातीन आजाद, लाख रुपया चला गया, लाख रुपया गया, लालच बुरी बला है। ये सर इसके अच्छा मजे की बजाय वो बला का ना इशारा कहीं और कर रहे हैं। लालच बुरी बला है ये। ओके, लाख रुपए तो चला गया, अब आप लोग 2.5 लाख रुपए के लिए खेलने लगे। 2.5 लाख रुपए में 2 टिकटें आती हैं। आहा, नहीं 2 टिकटें आएंगी या 1 टिकट? नहीं वैसे तो 1 टिकट आएगी आजकल तो। हाँ, 2.5 लाख रुपए में 1 ही टिकट आएगी। दुबई की, दुबई की 1 ही टिकट आती है। अच्छा। क्योंकि अब 1 टिकट भी कोई ऑलमोस्ट 2.25 लाख रुपए की हो गई है। चलो 2.5 लाख रुपए में चलो, कोई पैकेज डील आ सकती है। सर ये गोट की, सर ये गोट की से आगे नहीं गया होगा सर आपके। ये अभी तेरा वाक, अभी मैं इसका वाक्य सुनाऊं? हाँ सुनाऊं। एक दफे दोनों हाईवे पे जा रहे गाड़ी में ना। अच्छा। गलती से जन्नाब ने लारेब का हाथ लग गया। जन्नाब ने कहा, लारेब तुम इससे भी आगे जा सकते हो। लड़काना ले गया उसको। अच्छा, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये लाइब्रेरी में क्यों बैठता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से। जी जी जी। अच्छा जी, अब आप लोगों ने 2.5 लाख रुपए लगा दिया है, अब आप लोगों ने कैटेगरी चूज करनी है। आपकी कैटेगरीज क्या हैं? आइए जी देखते हैं कौन सी कैटेगरी रह गई है। ज्योग्राफी आपने खेल लिया है, अब आपके पास फिजिक्स रह गई, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, कल्चर, मैथ्स, सर अभी पर्सनालिटी रिडल, स्पोर्ट्स एंड सोशल स्टडीज रहेगी। सर ज्योग्राफी का तो एक सवाल था, तो अब एक सवाल होंगे दो? नहीं, अब आपके वो 2 ऑप्शन खत्म हो गए हैं। अच्छा, पहली 2 कैटेगरीज के 2-2 होते हैं, उसके बाद सिंगल आती है। ठीक है, हमने शो भी तो खत्म करना है। सर आपकी भी स्ट्रॉन्ग है, मेरी भी स्ट्रॉन्ग है, जनरल नॉलेज पे जाते हैं। दोनों का एक साथ था। चले आप बताएं कौन सी कैटेगरी चूज की आपने? जनरल नॉलेज। वेरी नाइस। मैं आपसे जनरल नॉलेज का सवाल एक करता हूँ, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है ये ऑफ द चार्ट है। मुझे बताएं जनरल नॉलेज में सुबह इनको नाश्ते में क्या पसंद है? इनको नाश्ते में, ये फिलहाल तो माशाल्लाह जिम कर रहे हैं, तो ये 3-4 अंडे बॉइल करके खाते हैं और प्रोटीन शेक पीते हैं। कितना एहसान कर रहे हैं ना। और चिकन भी खाते हैं बॉईल करके, मतलब 500 ग्राम या चिकन भी खाता बॉईल करके। अच्छा हाँ, और क्या? बस फिलहाल तो यही खा रहे हैं, अभी जिम जा रहे हैं ना, तो मीट और थोड़ी डांट भी खा रहा है। नहीं नहीं, अभी डांट खाने वाले काम कर नहीं रहे हैं एक्चुअली। वो तो जब बॉडी बन जाएगी ना उसके बाद। जी, ये बड़ी अच्छी जनरल नॉलेज थी आपकी। हम अच्छा, इनका स्टार क्या है? इनका स्टार जेमिनाई। जेमिनाई, आपका स्टार क्या है? पाइसिस। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। वाह वाह वाह, पाइसिस और जेमिनाई, वेरी नाइस। ओके जी, खवातीन हजरात, आप लोगों ने चूज किया है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज का 2.5 लाख रुपए का सोच के देना। ओके जी, 2.5 लाख रुपए में आपके पास 2 चीट्स बचे हैं, 1 चीट आप इस्तेमाल कर चुके हैं, अब आप लोगों ने बजर दबा दिया है, तो अब अगर आप लोगों का सवाल गलत हुआ तो 2.5 लाख रुपए गया, जीरो नहीं मिलेगा, जीरो जीरो। सिर्फ उनकी तेज निगाहें आपको नजर, जैसे वो देख रही है ना अभी, तुम मुझे यहां लेके आई थी ये बोला है। ओके, अगर आप जैसे इसके बाद तुम जा भी सकते थे, मगर अब क्या करें, लालच बुरी बला तो होती है, मगर क्या पता तुम जीत भी जाओ, अभी जीत सकते हो। आइए जी, 2.5 लाख रुपए का सवाल दिखाइए इनको। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी टाइम जोन्स? अरे वाह, अब द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी टाइम जोन्स? ये दुनिया कितने टाइम जोन्स में डिवाइडेड है? टाइम जोन्स, वैसे मुझे बताओ, पाकिस्तान का टाइम जोन तो पता है ना, GMT से हम लोग कितने पीछे हैं या कितने आगे? PST तो हम है, टाइम जोन का तो पता होगा, जारी बात है अब जनरल नॉलेज पे आ गया। तो वर्ल्ड कितने टाइम जोन्स में डिवाइडेड है? आराम से टाइम लो, कोई जल्दी नहीं है,
से 2.5 लाख रुपए का सवाल है, 2.5 लाख रुपए के अंदर क्या आता है? कुछ बताओ, नहीं आता। शाहरुख और काजल बताओ। आराम से टाइम दो, कोई जल्दी नहीं, चले ना, चले ना, क्या कर रहे हैं? बताए ना, रख के तुझे अभी किक मारेगा ऐसे ही ना। वो बावड़ी बला आ रहा है आजकल, जिम जा रहा है, अंडी खा रहे, अंडी अंडे सुबह खा रहा है, शाम में मुर्गी खा रहा है, खट्टे मुर्गी खा ले। तूने लास्ट मुर्गी कब खाई थी? मैंने जब मुर्गी बीमार थी, अब जब खाऊंगा जब मैं बीमार हूंगा। जब बर्ड फ्लू चल रहा था तब तूने खाई थी? अरे वाह वाह वाह। वैसे चीट है आराम से, चीट की तरफ ही जाने क्योंकि काफी मुश्किल सवाल है सर। इन टर्म्स यूं टेक्निकली मुश्किल इसलिए कि वो नंबर्स जो है ना वो कैलकुलेटेड पूरे नहीं पता, तो वो आगे पीछे होगा तो गए। अगर आप छाप दो लेंगे तो सबसे पहले हम उनका आंसर देखेंगे, ठीक है? ठीक है, जब आप कंफर्म करेंगे। और दूसरा वाला क्या है सर? दूसरा वाला तो लास्ट में आप लेंगे, वो है बचत। दबा भी देगी तो सोच दिमाग से दबा दिया गया 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 गया। अब तो गया छा, औरत ही घर बनाती है, औरत ही घर बिगाड़ती है। देखो, औरत ही घर बनाती है और बिगाड़ती है, ठीक है ना? अच्छा जी, इन लोगों ने हमारी जाहिर बातें नहीं सुनी और इन्होंने एक और चीट ले लिया, ईमान पे ट्रस्ट कर लिया। आइए सबसे पहले देखते हैं बच्चों ने क्या आंसर दिया था। बच्चों के आंसर्स ये थे, देखो, 24 टाइम जोन्स, चारों बच्चों ने 24 कहा। वैसे बात है, आप लोगों ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर 24 लॉक किया जा रहा है। इज इट ट्रू? तो बताइए, 2.5 लाख रुपए जीत रहे कि नहीं? ईमान को अरे ईमान को हाथ दो, थैंक यू ईमान, क्या बात है ईमान, थैंक यू वेरी मच, आपने दो सवाल के साथ खेले। और भाईजान, अब देखते हैं कि आप मनी ट्री पे कहां पहुंचे हैं, दिखाइए जी मनी ट्री, आज इनके पास कितनी दौलत आ रही है। सबसे पहले देखते हैं मनी ट्री में, ये लोग पहुंच गए 2.5 लाख रुपए पे। अच्छा जी, आपने आपने 2.5 लाख रुपए, अगर आप लोग बजर दबाएंगे तो वो 2.5 लाख रुपए गए। मैं कहूंगा बजर ना दबाना, बजर ना दबाना, बजर ना दबाना, क्योंकि मेरे से 2.5 लाख रुपए लो, घर जाओ, 2.5 लाख रुपए लो, घर जाओ। 2.5 लाख रुपए अगर दबा दोगे तो 5 लाख रुपए के लिए चला जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आराम से जल्दबाजी ना करना, आराम से सोच समझ के बात करो। 2.5 लाख रुपए, नहीं नहीं, 2.5 लाख रुपए बजर नहीं दबा, अभी तक नहीं दबा। 2.5 लाख रुपए में अभी क्या करना, 2.5 लाख रुपए अगर ले लोगे तो 2.5 लाख रुपए लेके चले जाओ, और कुछ भी नहीं होगा सर। एक लाइफ लाइन है एंड प्लस अब जहन लगाना, मैं भी लगाता हूँ। भाई जान आपका 2.5 लाख रुपया गया। नहीं नहीं, पहले भी यहाँ तक पहुंचे हैं ना। अरे क्या बात है, क्या बात है। यहाँ प्यार का इम्तिहान हो रहा है। भाईजान, कभी आपने इतना ट्रस्ट लड़की पे किया है? इसका जवाब ना दीजिएगा, क्योंकि लड़की ने आप पे आज तक ट्रस्ट नहीं किया। जी, आप लोग 2.5 लाख रुपए के लिए कूद चुके हैं। अगर अब आप लोगों का सवाल दुरुस्त हुआ तो आप जीतने वाले हैं 5 लाख रुपए। लेकिन अगर हार गए? नहीं नहीं सर, सर अगर नहीं, नहीं जिस तरह देख रहे हैं ना, हार जाएंगे। आइए कैटेगरीज देखते हैं, कौन कौन सी, देखने दो इसको, कैटेगरीज दिखाएं जी, कैटेगरीज। बच्चों, फिजिक्स, इंग्लिश, कल्चर, मैथ्स, पर्सनालिटी, रिडल्स, स्पोर्ट्स, सोशल स्टडीज, इनमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 5 लाख रुपए के करीब लेके जा सकता है? शक्ल से तो लग रहा है मैं तो लगता है मादी दवाई लेके जा सकती है, बस नहीं कुछ लेके जा सकती। सर, विल गो विद सोशल स्टडीज। आई लाइक द कॉन्फिडेंस। उसने सोचा ही नहीं, उसने कहा सोशल स्टडीज। किस बच्चे की सोशल स्टडीज अच्छी है? आहा, किसी में आया नहीं, हम ना सभी ये दोनों इन्नी मिन्नी माइना मो अकड़ वगड़ सानू नहीं आंदा, पूछो है सर। हम जी
अयान, अयान को बुलाएंगे। अयान अयान साहब आ चुके हैं। ये मैं बता दूं, ये हर सब्जेक्ट में वीक हैं। कश्ती आपकी डूबने वाली है भाईजान, नीचे आगे खड़े हो आराम से। ये सिर्फ पर्चे पे स्ट्रांग हैं, उस तरह ये बड़े वीक हैं। ये मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज अक्सर करते हैं क्योंकि ये खुद भी कंफ्यूज होते हैं। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इनको सब जवाब आते हैं लेकिन अक्सर ये गलत बताते हैं। तो आप लोगों ने 5 लाख रुपये, जो 2.5 लाख रुपये आपके लगे हैं, 5 लाख रुपये के लिए आपने कैटेगरी चूज की सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज, वाह 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 वाह। सोशल स्टडीज ही क्यों वैसे? सर ये थोड़ी सी आई गेस इनको नॉलेज है सोशल स्टडीज की, और थोड़ा सा मुझे हल्का फुल्का पता है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री का ही पता हल्का फुल्का। देखिए सोशल इन्फ्लुएंसिंग अलग होती है, सोशल स्टडीज अलग होती है। हाँ सोशल स्टडीज कुछ और चीज है। मेरा ख्याल आपने सोशल देखा होगा, आपने कहा हाँ हाँ ये नहीं 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 सर नहीं सोशल स्टडीज देख के ही सोशल स्टडीज इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट है। इसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट है? अच्छा अच्छा, मुझे बताएं जहाँ कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, अप्रोच इन्होंने किया था आपने किस लिए? गेम शो के लिए? क्या हो गया एकदम लाल हो गई हो? एकदम लाल क्यों हो गई थी? गेम शो के लिए तो हमें प्रोड्यूसर्स ने अप्रोच किया था। अप्रोच किया था, उससे पहले तो दोस्ती नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, उससे पहले बिल्कुल दोस्ती नहीं। उससे पहले दोस्ती मतलब हेलो हाय थी लेकिन दोस्ती नहीं थी, बिल्कुल नहीं नहीं। क्योंकि जब तो जब भाई को देखा, इधर आओ इधर आओ, ये जब भाई का मॉडल देखा तो दिल में घंटी बजी दोस्ती की। हम जब मैं शो में फर्स्ट आई थी तो मैं इन्हीं की टीम में थी, बाय चांस ही स्टार्ट ही मैंने इनसे लिया, तो अभी थ्रू आउट मैं इनके साथ ही खेली हूँ और इनके साथ। तो दूसरी ऑप्शन ही मिली आप ये कहना चाह रही हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरी ऑप्शन आपको मिली नहीं अभी तक? कह रही है इनके साथ ही खेला और इनके साथ ही खेलूंगी। अरे अरे अरे, तो आप कह रही है कि डे वन से यही ऑप्शन थी? आपने मार्केट नहीं, में दूसरा नहीं, पीसी नहीं देखा? नहीं नहीं, और भी बहुत सारी कोई डिस्काउंटेड ऑफर भी नहीं आपने देखी? कोई बाय वन गेट लॉयल नहीं मिला नहीं देखी? तो आपको यही है ना, लॉयल बंदा नहीं मिला? अच्छा लॉयल लॉयल, अच्छा लॉयल। मैं कंफर्टेबल इनके साथ हूं। तो हेटर्स के ऊपर जरा थोड़ी सी करते हैं क्योंकि आप लोगों के प्रोफेशन में ट्रोल्स बहुत होते हैं। बहुत होते हैं, तो ट्रोल्स को कैसे डील करते हैं आप? ऐसे सर हमारे मेंटोर जो है दानिश भाई, उन्होंने एक ही चीज सिखाई है कि उन्होंने कैमरे की तरफ देखो, उन्होंने एक ही चीज सिखाई है कि नेगेटिविटी तो सर हर जगह है, ठीक है, और आप जब आप पब्लिक में होते हो तो किसी का भी कोई भी ओपिनियन और क्रिटिसिज्म आता है, वो आपको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो सर मैं तो इग्नोर ही करता हूँ पहले। अच्छा। मैं क्योंकि आई वॉज नॉट दैट मेच्योर, तो मैं बहुत देख के दिल पे लेता था और मैं इग्नोर करती हूँ। मैं अब करती हूँ क्योंकि दानिश भाई ने हमें यही बताया कि सोशल मीडिया अगर आपने यूज करना है उसका नंबर वन रूल यही है कि कमेंट्स कभी रीड नहीं करना। बिल्कुल वेरी गुड बच्चों, ये आप लोगों के लिए भी है। सोशल मीडिया में कभी भी नीचे कमेंट्स ना रीड किया करो, चाहे कोई अपना अकाउंट नंबर और पिन क्यों ना दे रहा हो। बिल्कुल सही बात है, कभी ना रीड करना। अच्छा इधर आना, इधर आना। दानिश भाई के लिए जी तालियां, दानिश भाई के लिए तालियां। दानिश भाई ने एक और एडवाइस दी थी इनको जी, जी। नहा के आया करो जिसने आज तक नहीं। खवातीन हजरात एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, इसको नहाने जाना है। जी क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है, जरना बापी अब पंजाब से कराची किसके लिए आती हैं? जरा हमें भी तो बताएं। मैं पंजाब से कराची शिफ्ट हो गई हूँ, 6 साल से मैं कराची ही रह रही हूँ। तू क्या उसका मामा है? तू चाचा है उसका? तू फुफा है उसका? तेनू की एडी पीड़ हो रही है, आ रही है आंदे हैं, तेनू बिल आ रहे हैं। ले आ किसके लिए आती है बता ना जरा। बेटे तुझे यहाँ नहीं, तुझे तो वहां होना चाहिए जिस तरह की तू हरकतें कर रहा है। बाद दिनों साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसके मफलर को पाड़ देते हैं। आइए आप देख रहे हैं सबसे इंटेलिजेंट शो जिसका नाम है छठी के बच्चे। We'll be right back. आप देख रहे हैं छठी के बच्चे आपसे। आज हमारे पास बड़े ही क्यूट से दो मेहमान आए हुए हैं जो कि दो दिल एक जान हैं, फ्रेंड्स। दो दिल मिल रहे हैं मगर छप्पड़, मगर खुले खुले चुपके चुपके आपका होता भाई। हाँ, तो खुला दो दोस्त मिल रहे हैं जी। अच्छा भाई कुछ तस्वीर हैं जो कि सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है, हम वो तस्वीरें देखते हैं और फिर उनके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि इस साइंस को क्या कहते हैं। ठीक है जी, आइए ये पहली तस्वीर जो है। अरे वाह,
अगर आप देखें ये बच्चा चंदा नहीं मांग रहा, ये लाइन में लगा हुआ है, ये कराटे मास्टर है। कराटे मास्टर ये कौन है बच्चों? ये बच्चा कुछ जाना पहचाना लग रहा है आपको? कुछ देखा हुआ जी, 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 जी। कौन? लारे भाई। मैं उस बच्चे को पहचान में पीछे है ना जिसका मुंह नजर नहीं आ रहा। हाँ। वो यही था, उसको पहचान गया मैं। अच्छा वो तू है? हाँ। सर वहां भी नहीं दिख रहा। अच्छा भाई कब की तस्वीर है? सर ये स्कूल टाइम की है। व्हेन आई वाज इन कॉलेज में तू शायद नहीं सर, मैं था जब क्लास 3 में। क्लास 3 में? ज़ियान आपको कराटे आती है? जी सीख रहा हूँ मैं। अच्छा अभी आप सीख रहे हैं? अच्छा अच्छा, थोड़ा सा मफलर लूज कर दे, सांस आ रहा है। अच्छा भाई तो कराटे आपने बचपन से सीखी, इसका मतलब है कराटे का शौक था आपको? सर स्कूल में क्लब पीरियड होता था। अच्छा। उसमें जिमनास्टिक्स थी, कराटे था, तो सर ब्राउन बेल्ट तक की थी। उसके बाद मुझे एक मोटू ने बहुत जोर से पंच मार दिया था, मेरी अम्मी ने बोला नहीं एक ही है इसको, मैंने कराटे नहीं कराना। अरे वाह 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 वाह, तो आप मतलब बुली आप हुए थे जब? नहीं नहीं बुली नहीं हुआ था सर, कराटे का ही कॉम्पिटिशन था अगेंस्ट स्कूल से, तो वो जो हमारे स्कूल के कंपेटिटर था उसने जो है ना। पढ़ाई में लायक थे या बस फारिग थे? नहीं सर अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था सर। अच्छा अच्छा था, अब नहीं? नहीं अभी भी हूँ सर। अच्छा पर अब पढ़ाई कर ली ना सर, इसलिए अब पढ़ाई वापस अगर करने का। चलिए देखते स्कूल में आप कैसे थे, दिखाएं जरा। वो भी है। अरे ओए होए 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 होए, क्या छिला हुआ तरबूज नहीं होता जिस तरह बच्चा तो छिला हुआ होता है ना सर। वैसे बाकी अब वैसे वो सही कह रहा है कि अगर मैं शेव करूंगा तो ये अभी, ये असल में कल की तस्वीर है। ये अभी लग रहा है कि दाढ़ी के साथ ऐसा है। अच्छा ये कहाँ की क्लास, कौन सी थी ये? सर ये मैं 9 क्लास में है। 9 में सब पढ़ रहे हैं और ये तस्वीर बनवा रहा है। अभी ये 9 की है? यस सर। मैं तो समझा क्लास 3 या 4 की है। मुझे भी यही लग रहा है। 9 की सर। क्या अभी क्या कहा तूने? मैं ये कह रहा हूँ कि सब पढ़ रहे हैं, ये तस्वीर बनवा रहा है। अरे वाह 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 सर, ये भी जो है ना वो बेड ऑयल लगा लगा के आ गई है। अच्छा हाँ सर, मैं अपनी मेरी मदर पे गया हूँ सर। मेरी मम्मा भी जो है ना वो मम्मा की अपनी एज, नहीं मम्मा की जो है ना, नहीं मम्मा जो है अपनी एज की नहीं लगती। अच्छा अच्छा, फादर मदर, आपकी मदर यंग लगती हैं? यस सर, मदर फादर दोनों वो अपनी एज की। बेटे माँ को हमेशा कहते हैं आप जवान हैं? नहीं नहीं वो तो है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह है। बेगम को और माँ को हमेशा जवान, एवर ग्रीन, ठीक है? पावे ताड़े हेयर आर वाइट बट दे आर एवर ग्रीन। ओके आइए जी अगली तस्वीर। ये तो लग भी रहा है, ये तो पुराना फेसबुक स्टॉक कर लिया लगता है किसी ने, पता नहीं किसी ने लग रहा है हैक किया तुम्हारा अकाउंट। अच्छा ये तुम ही हो? यस सर मैं ही हूँ। ओह ये तो मुझे लग रहा है। ये अच्छा ये क्या फिल्टर कोई लगाया हुआ है मुंह पे? उस वक्त सर फिल्टर वाले कैमरे नहीं आए थे सर, उस वक्त फिल्टर्स नहीं थे। अच्छा ये था ही यही मॉडल ही था ही ये सर, यही 3 GB 3 MP कैमरा था सर। अच्छा मुझे एंग्री बर्ड लग रहे हो यार, क्या क्या सर वो ब्लैक वाला ना? पेंसिल से मूछा बनाई। क्या स्टोरी थी, कहाँ ये वीडियो गेम्स खेल रहे थे, कॉल सेंटर में थे, कहाँ थे? सर ये मैं मेरा फर्स्ट जॉब था सर, मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था, तो वहाँ की फोटो। अरे वाह, मेरा गेस्ट कॉल सेंटर में था, वहाँ लड़कियों का फोन आता होगा, हेलो। नो नो सर, वी यूज्ड टू डायल, हेलो। नहीं नहीं सर, वी यूज्ड टू डायल, और कॉल सेंटर जाने का पर्पज़ ये था, मेरी मदर ने कहा था कि वोकैबुलरी और अच्छी होगी, यू नो हाउ टू टॉक, किस तरह कम्युनिकेशन होगी, तो उन्होंने बड़ी यंग एज में मुझे कॉल सेंटर की तरफ। उसका फायदा हुआ अब आपको, बात करनी आ गई। आए अच्छा जी आप आगे गेम की तरफ भी बढ़ते हैं, आइए चल के मनी ट्री देखते हैं आप कहाँ हैं। सबसे पहले आपने चूज किया हमारा नया लड़का जिसका नाम है अयान। अयान आपकी हेल्प करने आ रहा है मनी ट्री पे। आप लोग किधर हैं? आप लोग 2.5 लाख रुपए जीत चुके हैं, 2.5 लाख रुपए के अंदर आपने बजर दबा दिया है, बजर आपको ऑटोमेटिकली 5 लाख रुपए के लिए लेके जा रहा है। अब अगर इसका सवाल का जवाब आपने दुरुस्त दिया तो आप 5 लाख रुपए जीत गए, अगर आपने गलत दिया तो अयान आपकी हेल्प करेगा। 2 सवालों के लिए यही है। कैटेगरी आपने चूज की है सोशल स्टडीज। ओके आप लोग का पहला सवाल सोशल स्टडीज का ये है, हु पास्ड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन? 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन किसने? ओए 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 भाईजान कॉन्फिडेंस लेवल आप चेक करें, उसने तो हाई फाई कर दिया। 9 तो लेवल हिस्ट्री। अच्छा हिस्ट्री पक्की है? नहीं इतनी नहीं मगर पढ़ी है सर। मगर 1962 पता है, 1962 पे आपके अब्बा हजूर की बर्थडे तो नहीं? नहीं सर, उससे 4 साल पहले अब्बा की बर्थडे। अच्छा भाई तो कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में किसने पास की? हाय जा कूद पढ़ना। अच्छा सर मैं बताता हूँ ना। हाँ आप आपस में डिस्कस करो ना।
भाई वो मेडिकल वाली है, क्या हो गया यार उसको? ये था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे कलेजे में दर्द हो रहा है, मेरा सांस बंद हो रहा है, तुम मुझे जीने नहीं दे रही है। अबे मैं मेरा मतलब इस तरह की कोई बात करो ना। सर जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान, ओ एम कोई तुम लोगों ने कुछ नहीं, इतना कॉन्फिडेंस। ओहो, देखते हैं ट्रू है कि नहीं। आइए जी, अब देखते हैं हु पास्ड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। आपने कहा अयूब खान, एंड द आंसर इज करेक्ट। मनी ट्री दिखाइए। मनी ट्री पे आप लोग पहुंच चुके हैं 5,00,000 रुपए। बस नहीं, रुक जा लारिफ, आप 5,000 पे भी बस कह रहे थे, आप अभी भी बस कह रहे। अच्छा अच्छा, देखो सुन, देखो 5,00,000 रुपया मेरे से लो, जाओ 2,50,000 रुपया तुम्हारे, 2,50,000 रुपया तुम्हारे, 5,00,000 रुपया छोटी अमाउंट नहीं, काफ़ी अच्छी अमाउंट है। सर है तो नहीं छोटी अमाउंट, यू आर राइट टेक्निकली, बट उसका खर्चा एक सब्जेक्ट जो है खर्चे सबके ज्यादा है, उसके ज्यादा सबके ही ज्यादा होते, सबके ज्यादा, इसके ज्यादा नहीं होते, ये तो 5 रुपए पे जिंदा है। होम्योपैथिक जी। सर एक सब्जेक्ट बचा के रखा हुआ अपना। अच्छा, तो उसमें थोड़ी सी महारत है, सो व्हील प्ले जब तक थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ खेल सकते हैं तो। ओ, अब इसने बजर, अब इसने रहा है। हाँ, अब मैंने, ठीक है, ओके ओके जी, 5,00,000 रुपया लग गया आपका। अब आप ऑटोमेटिकली 7,50,000 रुपए के लिए खेलने लगे हैं। अब अगर आपका सवाल गलत हुआ, अयान आपके साथ मौजूद हैं अगले सवाल के लिए। कैटेगरी चूज करते हैं जी, कैटेगरी दिखाइए कौन सी है। हम लेंगे किस कैटेगरी के लिए खेलेंगे? साइंस हो चुका है, सोशल स्टडीज हो चुका, जनरल नॉलेज गया, एनिमल किंगडम भी गई, ज्योग्राफी भी गई। पीछे जो बच्चे हैं आपके सामने हैं, बताएं। सर इंग्लिश। ओ दिस व्हाई यू गोन डू नाइक नाइक ऑफ द साइन, या वेरी द मच। Sewal of the question you want to ask is the what of the English is the lock, press the buzzers. Hard of the press you English. Yeah, very the hard. Okay, English lock ho gayi hai Khawatir Hazrat. Ab 7,50,000 rupees ka sawal. 7,50,000 rupees ka sawal kaisa hota hai? Aaiye chal ke dekhte hain. What is the meaning of ballpark figure? What is the meaning of ballpark figure? किसी भी चीज़ का लंबा। ओए होए, ओए होए, ओए होए। किसी भी चीज़ का लंबा साथ देना। Nice. Ballpark figure का meaning क्या होगा? साथ खींच ले सकते हैं, अगर अभी मुझे थोड़ा सा शोर है कि किसी भी चीज़ को ना समान, तो किसी को भी लंबा समान वो बोलते हैं ना। तो मेडिकल कर रही हो? पक्का मेडिकल कर रही हो? किस सवाल पे इतना सोच रही हो? वो कौन सा पार्क था जहाँ मेरा बॉल गया था? हाँ, उस बॉल पार्क का फिगर क्या था? अच्छा ये पूछा है ना, उसने कहा कि बॉल पार्क फिगर का मतलब क्या है? एक आपके पास चीटर है, एक चीट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉल पार्क फिगर? जी चीट लेना है कि नहीं? 7,50,000 रुपए, 7,50,000 रुपए, 7,50,000 रुपए। ओए चीट ले लेता भाई। सर किसी को भी रफ एस्टिमेट देना, टू गिव समवन अ रफ एस्टिमेट। आपने कहा रफ एस्टिमेट, बॉल पार्क फिगर। हाँ ये बड़ा आसान सवाल था, इसलिए इतना तुम लोगों ने सोचा क्यों है? पैसे ज्यादा थे ना सर। ओह सर, कभी कभी 1+1=2 होता है, मगर जब मुश्किल हो तो वो फिर। वेरी नाइस, आइए देखते हैं 7,50,000 रुपए के लिए आपने रफ एस्टिमेट लगाया है, रफ एस्टिमेट तुक्का सही लगा कि नहीं? इट इज ट्रू। वाह जी वाह, मुबारक हो, मुबारक हो, 7,50,000 रुपए जीत गए हो। हाँ थैंक यू वेरी मच, आइए आइए भागिए। थैंक यू। हाँ जी, सवाल पूछे आप। स्कूल आपको हो गया था कंप्लीट, तो फिर क्या आपने ऐसे बोल लिया था कि ठीक है यार स्कूल हो गया अब मजा आ गया, या फिर आप स्कूल को अभी भी करते हैं? क्या मैं क्या ये क्या सवाल किया, मुझे भी नहीं समझ आई। क्या करते हैं?
मतलब स्कूल याद करते मिस करते हैं वो स्कूल को याद करते हैं या स्कूल वाली को किसी को याद करते हैं सर स्कूल को बहुत मिस करते हैं हर कोई मिस करता है स्कूल जब पास आउट कर जाता है और सर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो केजी वन किंडरगार्टन से हम जो दोस्त थे स्कूल के जो हमारे क्लास बैच चलता हुआ है सर टिल डेट अब तक साथ हम अच्छा ये तो बड़े अफसोस की बात है नहीं दोस्त बनाओ सर वो बोलते ना सब स्कूल की दोस्ती सर स्कूल की दोस्ती सबसे पक्की दोस्ती अच्छा। क्योंकि उसमें कोई एक दूसरे को जज नहीं करता कोई किसी से मतलब परस्ती से दोस्ती नहीं करता क्योंकि छोटे से बड़े एक साथ सामने हुए सबके तो सर कोई भी किसी को किसी का कैलिबर नैपियां एक दूसरे की तुम लोगों ने देखी हुई हैं हां ये बड़ी अच्छी बात होती है तू नैपी तो नहीं पहनता था ना नहीं लंगोट हां बिल्कुल बिल्कुल वो लग भी रहा है शक्ल देख के अच्छा जी अयान थैंक यू वेरी मच ओके आइए देखते हैं मनी ट्री पे आप किधर हैं मनी ट्री पे आप 7.5 लाख रुपए पे पहुंच चुके हैं अब अगर आप लोग बजर दबाएंगे याद रखना 10 लाख के लिए ऑटोमेटिकली चला जाएगा 7.5 लाख रुपए लो दुबई की ट्रिप शॉपिंग खाना पीना बड़ा अच्छा अच्छा पैकेज है 7.5 लाख रुपए 10 लाख रुपए के लिए क्यों लालच करोगे लालच तो आ गई मैं तो कह रहा हूँ लालच आ रही है राले टपक रही है 7.5 लाख रुपया बड़ी अच्छी अमाउंट है ना बच्चों क्या लालच बुरी बला है, बला है। सर ये वी हैव एन ऑप्शन को सब्जेक्ट्स रह गए तो उसमें रिडल्स भी हैं हाँ, पहेलियां ये क्या चीट भी तो है तुम लोगों के पास और चीट भी है और सर पहेलियों में थोड़ी सी इनकी पागल 10 लाख रुपए के लिए आप लोग खेलने वाले 10 लाख रुपए लेके अच्छा जी 10 लाख रुपए के लिए आपके पास कैटेगरीज क्या है कैटेगरी दिखाइए जी साइंस हो गया सोशल स्टडीज होगी जनरल नॉलेज इंग्लिश एनिमल किंगडम ज्योग्राफी हो गई पीछे आप लोग पास फिजिक्स बचा है कल्चर मैथ्स पर्सनैलिटी रिडल और स्पोर्ट्स इंग्लिश का सवाल बड़ा आसान था हो सकता है रिडल भी वो आसान हो 7.5 लाख रुपया आ गया था यार 7.5 लाख रुपया आ गया था बोले आदमी किस पे आप बोल रहे मैं तुम रिडल हूँ जादू कर रहे कितना क्यूट ओहो एक एक हो गया अगर तुम लोग हमारे शो पे सिपली कर रहे हो मुझे भी लग रहा है ये लोग अपना शो शुरू कर रहे हैं क्या कर रहे हो एक दूसरे को झाड़ रहे हो क्या बस मैं बोल रही हूँ ना हम रिडल्स हाँ रिडल क्या रिडल्स पहेली पहेली सबसे बड़ी पहेली तो औरत खुद है इसीलिए मैंने रिडल्स सर ये कोई समझ नहीं पाता रिडल्स इंशाल्लाह अच्छा भाई रिडल्स किस किस की अच्छी है ले हम ना आ जाओ तुम्हारी बारी है पर हम ना हम ना हम ना आ गए अच्छा जी अब अगर आप लोग 10 लाख रुपए जीत गए तो कौन आप में से आगे खेलना चाहेगा और कौन घर जाना चाहेगा आप आगे खेलना चाहेंगे और कैसी लालची औरत है वो देखो वो किस नजरों से देख रहा है कि मरवाएगी मरवाएगी सर ये पूरा हो तो इंशाल्लाह फिर सोचते हैं कि खेलना है नहीं खेलना पर अभी जल्दबाजी नहीं करनी सबर खेलेंगे तुझे रोड पर ला के नहीं नहीं खेलेंगे खेलेंगे इतना इतना जल्दबाजी भी नहीं करता बंदा भाग आइए देखते हैं रिडल 10 लाख रुपए की पहेली कभी देखी है दिखाऊं 10 लाख रुपए की पहेली ये होती है ये देखो अ मैन हु वॉज आउटसाइड इन द रेन विदाउट एन अम्ब्रेला और हैट didn't get a single hair on his head wet why khamosh umbrella ke bagair theek hai umbrella ha ji aur aapke samne ye riddle hai to uska bhi baal jo hai wo gila nahi hua to baal क्या करोगे आओ, क्या किया सर हमना की हेल्प लेंगे हमना अब आप लोग का जो भी जवाब होगा अगर वो गलत हुआ तो ऑटोमेटिकली हम
अमना का आंसर लेंगे। तो एक तरह आप दो आंसर दे रहे हैं, एक आपका आंसर हो गया और एक उनका आंसर हो गया। अब आप बताएं आपका आंसर क्या है। सर बाल्ड होगा वो गंजा होगा, इसलिए जो है वो सर ही नहीं गीला होगा सर, ना टोपी के बाद ना उसके बाल ही नहीं। तो बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं बिकॉज ही इज बोल्ड। या ही इज बाल्ड। ओके भाईजान जी जी आप रिलेट कर सकते हैं। अम्ब्रेला भी नहीं कैप भी नहीं। ओ ओ ओ अम्ब्रेला भी नहीं कैप भी नहीं। तो आपका आंसर भी यही है। ठीक है जी, आपका आंसर क्या था बेटा? अमना इज बोल्ड। इज बोल्ड जी। अच्छा जी आइए, इज इट ट्रू 10 लाख रुपए के लिए और नॉट? ये क्या सर? बस इतने पैसे बहुत है सर। अरे क्यों आगे बजर बजा दिया? अरे अरे बजर बजा दिया। अरे जीरो रात। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आए मनी ट्री की तरफ चलते हैं। मनी ट्री दिखाएं, मनी ट्री। और क्या अकलमंदी आपने की है, उसको मौका भी नहीं दिया आपने। खवातीन हज़रात और आप 10 लाख रुपए जीत चुके हैं और आपने सोचा ही नहीं, आपने पूछा ही नहीं, आपने कहा इससे पहले कि वो आगे करे। तूने गलत किया, उसकी सुननी चाहिए थी सर। अरे एक मिनट सबर तो करो सर। 0 से 56 होता है बेशक, और तीनों लाइफलाइन चले गई थी बेशक। अब जो सब्जेक्ट से थोड़े फंसाने वाले थे, हाँ हाँ, अगर कहीं फंसते फिर बिल्कुल। इट्स ईदर 10 लाख और इट्स 0। अब मैं आपसे कुछ पूछूं जी, बेड से अच्छा सोफा है? है? सोफे से अच्छा फर्श है? फर्श से अच्छा घर के बाहर है? लग तो यही रहा है। बोल अब, तीनों अब बिल्कुल सही लग रहा। देखो तीनों लाइफ लाइन चले गई थी, एक तो बची भी है ना। लेकिन पूछते तो एटलीस्ट भाईजान पूछना तो चाहिए। आप एज ए टीम यहाँ आए हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, टीम आए। बट ये कि मैंने बड़ा सेंसिबल फैसला लिया सर। अगर आप ऊपर तो कह रहे हैं आपने डिसीजन लिया? यस सर, अभी हमने नहीं, नहीं अभी जरूरी था सर, क्योंकि आधे डिसीजन इन्होंने लिए तो एक मैंने ले लिया। ज़रनब, अच्छा आप आगे खेलना चाहती थी? मैं तो चाहती थी आगे खेलना, मैंने तो पहले ही बोला था कि हम खेलेंगे सर, इसीलिए। नकली उतार रहा है, नकली उतार रहा है। वे नेशनल टेलीविजन पे नकली उतार रहा है। वे मुंह पे, वे मुंह पे। भाईजान कंक्लूजन तो सिंपल है, अब उसको मना को शेर सुना। आप 10 लाख रुपए जीते हैं और गेम आपने खुद ही खत्म कर दी। सर मुझे तो सेंसिबल फैसला लगा ये, थोड़ा सा अगर हम और भी ब्लंट होके खेलते तो सर क्या पता हम इससे भी जाते। भाईजान देखें, मैं आपको इसलिए कहता हूं कि मर्द का फैसला हमेशा गलत होता है, औरत का फैसला हमेशा दुरुस्त होता है। लेकिन इनको 10 लाख मुबारक हो, जो कि मुझे लगता है पूरा का पूरा दूसरी पार्टी की तरफ जाने वाला है, इनको ठेंगा मिलने वाला है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो 10 लाख रुपया। हमारी ऑडियंस 50,000 रुपया जीत सकती है। आप लोग का सवाल ये है, नोट कर लें और फिर मैं आपको बताऊंगा #छठी के बच्चे आपसे अच्छे, आपने करना है तो आपका जवाब माना जाएगा। 50,000 रुपए के लिए ये है, Who destroyed सोमनाथ मंदिर first time? पहली दफा सोमनाथ मंदिर किसने डिस्ट्रॉय किया था? प्लीज #छठी के बच्चे आपसे अच्छे। हमारे नंबर्स भी आए हुए हैं, उस पर भी आप हमें जवाब दे सकते हैं। जितने जवाब आएंगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके जीतने के। 50,000 रुपये घर बैठे बैठे कैसे जीतते हैं बताओ, कैसे जीतते हैं ऐसे? ये खादी नजरात बच्चों, इनके लिए तालियां, क्योंकि डॉक्टर साहब इनके सर में वो दर्द करने वाली है कि आपकी सोच है। जय, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। मेरा नाम अहमद अली भट्ट है, कहीं ना जाइएगा, आप इन बच्चों को नहीं हरा सकते, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। विल बी बैक नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।